गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बंसल अकेडमी। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट, जो आई होप आप लोगों को आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड वी हैव ट्राइड टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर, एंड जहां पे आप लोगों को नाउन्स हो, प्रोनाउंस हो, वर्ब्स, आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, नरेशन, वॉइस, ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक के रिगार्डिंग हर तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो वी हैव ट्राइड टू अटेम्प्ट ऑल द पार्ट्स, ऑल द एस्पेक्ट्स। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। सो जस्ट हैव अ लुक एट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आई हैव नॉट सॉ हिम सिंस आई लास्ट लीव द टाउन। जैसे कि आप लोग बहुत ढंग से देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को एक सेंटेंस गिवन है, प्लस उस सेंटेंस में बहुत कॉमन सेंस से पता चल जाएगा कि मैम यहाँ पे हम लोगों को एक एरर ढूंढने की जरूरत है, यहाँ इस सेंटेंस को किस पार्ट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, इसी चीज को पूछा जाएगा। दैट इज द रीजन वाई यहाँ पे चार चार ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन देख के भी आप लोग क्वेश्चन का बहुत इजीली अंदाजा लगा सकते हो। सीइंग हिम सिंस आई लास्ट लेफ्ट, no improvement, seen him since I last left, seen him for I last left। तो यहाँ पे समझना पड़ेगा exactly ये हमें क्या कहना चाहता है और logic क्या काम करेगा। जैसे ही आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत इजी हो जाएगा। लेट मी टेल यू दिस थिंग वेरी फ्रेंडली, अगर हम लोगों को 12 के 12 टेंसेस के एटलीस्ट कम से कम ना अगर आप लोगों के स्ट्रक्चर्स भी लर्न कर लोगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इजी होगा। रीजन हम बहुत इजीली सेंटेंस को पहचान पाएंगे कि एग्जैक्टली ये किस टेंस के रिगार्डिंग बात करेगा, उस टेंस के रिगार्डिंग जहां पे उसकी यूजेज की बात है या जहां पे उसके इंपॉर्टेंट रूल्स रेगुलेशंस की बात है। तो वो मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में आपको आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूं कि अगर ये टेंस होगा इसकी रिक्विजिटी कहां कहां पे होनी चाहिए। नंबर टू उसके साथ के सारे कीवर्ड्स भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे ही आप लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट को देखा, दैट इज हैज हैव, कहीं ना कहीं अंदाजा लगना स्टार्ट हुआ कि यहाँ पे हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई मीन टू से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होना चाहिए था। लेकिन फिर हम लोगों को लगा कि शायद यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, जैसे सी सॉ सीन, क्योंकि यहाँ पे आप लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं लगाते हो हैज हैव के साथ। आई होप हर किसी को स्ट्रक्चर से क्वेश्चन को एरर फ्री करना बहुत इजी लगता होगा, क्योंकि हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यही तो हमारा स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। दैट इज द रीजन व्हाई हम लोगों को साथ की साथ समझ में आ जाएगा। ऑप्शंस को कट शॉर्ट करना बहुत इजी हो जाता है। सी सॉ सीन मेरे को समझ में आया कि यहाँ पे जो भी ऑप्शन है वो स्टार्ट कहाँ से होनी चाहिए, सीन से स्टार्ट होनी चाहिए। दैट इज द रीजन व्हाई मेरे को लगा बी ऑप्शन और सी ऑप्शन ये तो पॉसिबल ही नहीं है। चलिए बी ऑप्शन अभी मान भी लें, लेकिन ये कहता नो इम्प्रूवमेंट, जबकि यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत तो है। रीजन स्ट्रक्चर हम लोगों को अढ़ंग से आता था, दैट इज द रीजन व्हाई वी वर एबल टू अंडरस्टैंड। अब हमारे पास खाली दो ऑप्शंस हैं, अब नेक्स्ट वाला पार्ट पढ़ेंगे तो शायद हम लोगों को ए और डी दोनों में से सही आंसर ढूंढने में बहुत ईज हो जाएगी। सिंस आई लास्ट लीव द टाउन, मैंने अपनी वीडियोस में भी बहुत बार आप लोगों के साथ डिस्कस की है ये बात कि सिंस और फॉर बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस हैं, इवन कि इनका टेंसेस में भी बहुत ढंग से यूजेज किया जाता है। फॉर आप लोग फिर से रिपीट कर रही हूँ, फॉर आप लोग हमेशा तब यूज करोगे जब आप लोगों को एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन गिवन होगी, लाइक इतना टाइम स्लॉट गिवन है, फॉर 2 इयर्स, फॉर 5 इयर्स, पर्टिकुलर टाइम स्लॉट दे देंगे। लेकिन यस, उसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताएंगे। मैंने बोला मैं 2 साल से पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैंने स्टार्ट कब से किया था पढ़ाना ये नहीं बताया। अब मैंने बताया कि मैं 1986 से पढ़ा रही हूँ या मैं ऐसे तब से कोई ऐसा कंटिन्यूटी में काम कर रही हूँ। सो तब हम लोगों को लॉजिक समझ में आएगा। जहां जहां आप लोग स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर करोगे, यू आर गोइंग टू यूज द प्रपोजिशन सिंस, और जहां पे नहीं करेंगे टोटल ड्यूरेशन को मेंशन करेंगे वहां पे हम लोग फॉर का यूजेज करते हैं। और वैसे भी ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी सेट होना चाहिए। सिंस आई लास्ट लीव द टाउन, चलिए सिंस तो सही है क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है, कहता जब से मैंने टाउन को छोड़ा। चलिए तो जैसे मैंने इसका हिंदी वर्जन भी किया ना, पूरा का पूरा फील समझ में आया
कि भाई जो फर्स्ट हाफ है वहां पे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन है जब से मैंने वो टाउन छोड़ा, वो छोड़ चुका ना, एक्शन कंप्लीट हो चुका, दैट मींस मेरे को यहाँ पे पास्ट टेंस की जरूरत थी। जब से मैंने वो गांव या टाउन मैंने वो छोड़ दिया था, रहता था, जब समझ में आया। आई लास्ट, यहां तक तो ठीक है, लेकिन पहले ऑप्शन देखें, seen him, यहाँ पे for था, तो वैसे तो मेरा आंसर पहले ही क्लैरिफाई हो गया कि यहाँ पे for का यूज आप लोग कर भी नहीं सकते हो। चलिए यहाँ पे इसको क्रॉस करते हैं, लेकिन फर्स्ट पार्ट की क्लैरिफिकेशन भी जरूरी है। Seen him, I hope you are able to understand, क्योंकि मुझे verb की थर्ड फॉर्म चाहिए थी। Since I last pop, यहां से क्वेश्चन से ही कॉपी पेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे लीव नहीं आएगा, यहाँ पे लेफ्ट आएगा। रीजन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां से अप्लाई कर देंगे, जबकि ये बात प्रेजेंट की तो कर ही नहीं रहा। अगर ये रेफरेंस ही पास्ट का लेगा तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट का यूजेज क्यों करूंगी। इस टाइप के क्वेश्चन में आगे भी बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। आई होप अब ये वीडियो देखने के बाद, ये लॉजिक समझने के बाद आप लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी। आई हैव टोल्ड सो मेनी टाइम्स, खाली स्ट्रक्चर और यूजेज पे ध्यान दोगे, टेंसेस आपके साथ, आपके सारे के सारे क्वेश्चंस 5-5 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं। रीजन, अगर आप लोगों को लॉजिक ढंग से आता है सो बहुत इजी हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। शी हैज बीन स्टडिंग डैश 2 आवर्स। अब लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे। शी हैज बीन स्टडिंग, कहता वो पढ़ रही है, स्टडी आया ना तो V1 ING। फटाफट से वीडियो को पॉज करके ना फटाफट से इसके आंसर्स एक बार खुद भी बनाने की कोशिश करें। ऐसा नहीं होगा कि आप लोग इसको लेक्चर की तरह सुनेंगे। दिस इज योर मॉक टेस्ट, सो यहाँ पे पूरा का पूरा ध्यान चलेगा। आप लोग वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन देखते ही मेरी एक्सप्लेनेशन बाद में सुने, पहले अपना आंसर के साथ रेडी रहे, फिर से वीडियो को रिज्यूम करें और चेक करें कि क्या आप लोगों का आंसर सही भी था या गलत आंसर दे रहे हो। शी हैज बीन स्टडिंग, वो पढ़ रही है डैश 2 आवर्स। अब 2 आवर्स है, हर किसी के समझ में आता है कि मैम ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम तो हो ही नहीं सकता। फ्रॉम 2 आवर्स, 2 घंटे से पढ़ रही है, फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे जब हम थोड़ा सा लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे तब समझ में आ जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहा है, और जहां भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस था, बताया था ज्यादा किसी का नहीं, या फॉर का या सिंस का यूज होता है। दैट इज द रीजन व्हाई मेरे को टेंसेस और प्रेपोजिशन में तालमेल बिठाना आता था, इसी वजह से मेरे दिमाग में टिल या फ्रॉम ये दोनों ऑप्शंस आएंगे ही नहीं। काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे फ्रॉम को टिक करके आते हैं और देन दे विल आस्क कि मैम यहाँ पे फ्रॉम क्यों नहीं आ सकता। अरे भाई क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो, अगर टेंसेस के स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो शायद आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना ही चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात होगी सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्रपोजिशन का यूज किया जाता है, दैट इज फॉर एंड सिंस। सिंस तो मेरा नहीं हो सकता क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बता रहा, दैट इज द रीजन व्हाई मेरे लिए 1 सेकंड ही लगेगा इस फॉर को टिक करने में कि दैट इज योर राइट आंसर। शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, लिखेंगे जी फटाफट से आंसर को टिक कर लेंगे, जल्दी से अपने आंसर्स को मैच करते जाएं, एंड इन द लास्ट मेरे को कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप लोगों के जैसे कितने भी क्वेश्चंस, लाइक जितने लाइक 20 क्वेश्चन इस एक वीडियो में सॉल्व हो रहे हैं, तो आप लोगों के 20 में से सही करेक्ट क्वेश्चंस कितने थे, ताकि हम लोगों को कॉन्फिडेंस भी लेवल भी थोड़ा सा डेवलप होना चाहिए कि अगर 20 क्वेश्चन थे आई वॉज एबल टू सॉल्व एटलीस्ट 18-19 क्वेश्चन जो मैंने बिल्कुल सही अटेम्प्ट किए। एक आधे क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम आप लोगों को थोड़ा सा स्पेस दे सकते हैं कि चलिए एक आधे क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकती है, लेकिन फिर भी ज्यादा क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चूज द करेक्ट 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग, बहुत इजी है और मैंने बताया भी था 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हर बार एग्जाम्स में आएगा ही आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन। देखिए 20 मार्क्स का आप लोगों का ये पार्ट आएगा, सो वहां पे 1-1, 2-2 मार्क्स तकरीबन हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को देके चलेंगे, तब भी क्लैरिफिकेशन है। 1 मैक्सिमम 2 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी अगर बहुत इजी लेवल के आते हैं तो बहुत ढंग से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये वैसे ही बहुत इजी क्वेश्चन था। एन आर्टिफिशियल वाटर बॉडी मेड बाय मैन,
एक ऐसी वाटर बॉडी जो किसी इंसान ने बनाई है, बिना मेरे कुछ समझाए भी आप लोग इस क्वेश्चन का इजीली आंसर कर सकते थे। देखिए ऐसा जरूर रहता है, अगर आपके एग्जामिनेशन में 20 क्वेश्चन होंगे तो इट्स नॉट लाइक दैट कि 20 के 20 का लेवल यहां तक रखेंगे, कुछ क्वेश्चंस तो भाई उन लोगों को भी इजी डालने ही पड़ेंगे। दैट इज अ रीजन व्हाई जो आप लोगों का मॉक टेस्ट है ना, ये मिक्सचर की तरह है, एग्जामिनेशन एग्जैक्टली ऐसा होता है। कुछ क्वेश्चन हमें बहुत ही ज्यादा ईजी लगते हैं, लाइक बिलो द बेल्ट बहुत ईजी थे मैम, वी वर एबल टू डू दैट क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स, क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत भी फील नहीं होती है। और कुछ क्वेश्चंस को करने में थोड़ा सा दिमाग चाहता है, टेंसेस का, प्रेपोजिशन का, वर्ब्स का तालमेल बिठाना पड़ेगा तभी उसको सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे तो मेरे को एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसी वाटर बॉडी जो किसी मैन ने बनाई है डेफिनेटली वो स्विमिंग पूल के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। क्या हम लोगों ने सी, रिवर, ओशन बनाए हैं? नो, दैट ऑल आर द रॉन्ग ऑप्शंस, तो स्विमिंग पूल इज योर राइट आंसर। आई होप ये वाला क्वेश्चन हर किसी का सही हुआ होगा। आफ्टर दैट कम टू द नेक्स्ट पार्ट, सिलेक्ट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ का। ये चीजें भी आप लोगों के नाउंस का ही पार्ट है। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि मैम यहाँ पे कि ये कैसे हो पाएगा क्वेश्चन, मतलब ये हमारा सिंगुलर प्लूरल वाला क्वेश्चन आ जाता है। बचा इस पार्ट को भी आप लोग ऑलमोस्ट नाउन में ही कवर करके चलते हो। मैंने भी आप लोगों के साथ नाउन में ही जो टॉपिक मैंने वीडियोस आपके साथ डिस्कस की थी, वहां पे मैंने कितनी बार किसी का सिंगुलर किसी का प्लूरल बनाना बताया था। समन्स होता है, आफ्टर दैट समन्सेस होता है, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए। जैसे हमेशा कैटल होगा, बाय चांस यहाँ पे तो उसने पूछ ही काफ लिया, तो वो कहता काफ का प्लूरल फॉर्म क्या होगा। आई होप ये हर स्टूडेंट को आती होगी रीजन, ऐसे क्वेश्चन तो भाई बचपन में भी कर चुके हो, जहां पे एफ या फिर एफ ई का यूज होता है किसी भी सिंगुलर के लास्ट में, उसको कट करके सी ए एल वी ई एस काव्स विल बी द आंसर। कार्स नहीं आएगा, नट नहीं आएगा, सी ए एल एफ एस नहीं आएगा। ये भी बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है, बट यस यहाँ पे अगर बच्चे को किसी भी स्टूडेंट को ना क्लैरिटी हो तो ऐसे क्वेश्चन गलत होते टाइम में देनी लगती है, ध्यान रखेंगे। छोटा सा रूल है, क्लास थर्ड फोर्थ में भी डिस्कस कर चुके हो, एफ या एफ ई जिसके लास्ट में होगा उसको कट करके आप लोग बनाते क्या है, दैट इज वी ई एस वाली फॉर्म। सो कार्स इज योर राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं जी, पिक द ऑड वन आउट, मध्य प्रदेश, बिहार, इंडिया, पंजाब। मैंने ऑलरेडी बताया है कि ये सारे के सारे मिक्स क्वेश्चंस का पार्ट रहेगा, चाहे इसमें हल्का सा रीजनिंग का टच ले लें, चाहे इंग्लिश का टच ले लें, जो मर्जी ले लें, एक मिक्स सिनेरियो जरूर रहता है। तो यहाँ पे अगर इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाएंगे बहुत ईजी हो जाते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। रीजन मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, अरे भाई बाहर की नहीं, ये हमारे इंडिया की ही स्टेट्स हैं, तो इस क्वेश्चन को करने में ज्यादा टाइम जाया नहीं जाएगा। बाकी सारी की सारी स्टेट्स हैं, सिर्फ एक ही कंट्री है, तो डेफिनेटली दैट इज द ऑड वन आउट। कई स्टूडेंट्स इसको रीजनिंग का पार्ट लेकर चलते हैं, लेकिन यस कई बार एग्जामिनेशन में नथिंग इज प्रिडिक्टेबल, कुछ भी कहीं से भी डाल सकते हैं। तो कई बार इस चीजों को, ऐसे क्वेश्चंस को देखा गया है, चाहे इसको रीजनिंग का पार्ट ही मान के चले, बट कई बार उसको इंग्लिश में भी मेंशन कर देते हैं। सो यस, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बिकॉज दिस इज योर प्रैक्टिस एंड मॉक सेशन, सो समझ में आ जाता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ऐसा कोई हवा नहीं मचाएंगे कि मैम यहाँ देखो इंग्लिश में कैसे आया, इजी है भाई क्वेश्चन करना, ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, माय क्लास टीचर प्रेफर्स कॉफी डैश टी। देखिए वही क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को डिटो कॉपी पेस्ट क्लास में करवाया था, और मैंने क्लेम भी किया था कि ऐसे क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। अब समझेंगे हल्का सा लॉजिक, अगर तो आप लोगों को लॉजिक ढंग से याद है तो बहुत अच्छी बात है। रीजन क्या था, माई क्लास टीचर प्रेफर्स, प्रेफर्स याद आ गया कुछ आप लोगों को, प्रेफर एक ऐसा वर्ड है जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अपनी लेटेस्ट वीडियो में, दैट इट इज अ लैटिन एडजेक्टिव, हर किसी को याद होना चाहिए। मैंने प्रॉपर नेम भी लिखवाया था, और आई थिंक एक या दो दिन पहले ही ये वीडियो रिलीज हुई थी, कि जब यहाँ पे लैटिन एडजेक्टिव्स के बारे में मैंने बताया था कि कुछ हमारे पास लैटिन एडजेक्टिव्स हैं, जैसे कि अभी ये क्वेश्चन का तो आंसर समझ में आ ही जाएगा, प्रेफर, प्रेफर मतलब किसी को प्राथमिकता देना, चाहे यहाँ पे प्रेफर है, तब हम लोगों को समझ में आया कि ये अपने आप में एक लैटिन एडजेक्टिव्स है। लैटिन एडजेक्टिव की विशेषता, इसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए थे, कि बेसिकली ये वो वाला पार्ट है
जो अपने आप में बिना किसी चीज को ऐड किए एक एडजेक्टिव है तो एक डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, कौन सी डिग्री, डिग्री ऑफ कंपैरिजन को डिनोट करेगा, एंड दैट इज नो अदर देन योर कंपैरेटिव डिग्री। आई होप हर किसी को याद होना चाहिए ये वर्ड्स, और भी हैं, अभी और भी वर्ड्स लिखवा दूंगी, आई होप वैसे तो याद होने चाहिए थे, अगर नहीं भी याद नो प्रॉब्लम नो इशू, ये सारे के सारे वर्ड्स जो मैं अभी लिखवाने वाली हूँ बताने वाली हूँ दे ऑल विल डिपेक्ट योर कंपैरेटिव डिग्री, और तो और ये कंपैरेटिव डिग्री को डिनोट करने के साथ साथ एक दो पॉइंट्स के साथ और काम करेंगे। बताया था ना मैंने कि इनके साथ दैन का यूजेज कभी भी नहीं करते हो, इसलिए ऑप्शन में दिया तो नहीं है, लेकिन कई बार ऐसी चीजें ऑप्शंस में भी आ जाती हैं, भाई दैन का यूज नहीं करना, यहाँ पे हमेशा यूज किया जाएगा एक प्रेपोजिशन का दैट इज टू। ये आप लोगों को मैंने एडजेक्टिव की वीडियो में स्पेसिफिकली एक रूल बताया था, लैटिन एडजेक्टिव्स भी बताए थे, आफ्टर दैट मैंने एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स भी डिस्कस किए थे। अच्छा प्रेफर है तब भी आप लोगों को समझ में आया, ऐसे और भी बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं, आई होप आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को याद है कि सीनियर हम लोगों ने एक वर्ड किया था, सीनियर है, जूनियर है, प्रेफर है, प्रेफरेबल है, इंफीरियर है, सुपीरियर है। वीडियो को पॉज कर लें और अगर कुछ न्यू व्यूअर्स हैं तो इसको नोट डाउन भी कर लें। रीजन, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया था भाई इनमें दैन का यूजेज नहीं होगा, हमेशा आप लोग चाहे यहाँ पे कंपैरिजन है लेकिन दैन का यूज ना करके यूज किस चीज का करेंगे, टू का। और भी एक दो पॉइंट्स बहुत अच्छे बताए थे कि इनके साथ कभी भी मोर या मोस्ट का यूज नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, ये ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री को डिनोट कर रहे हैं तो आप लोग इसको डबल कंपैरेटिव कैसे बना सकते हो, और जो ऑलरेडी कंपैरेटिव है उसको मोस्ट लगाने के बाद सुपरलेटिव कैसे कर सकते हो, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव साथ में तो नहीं लगा सकते हैं ना, दैट इज द रीजन व्हाई आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि मेरे को खाली यहाँ पे टू लगाना था, फटाफट से आप लोगों का आंसर आ जाता। जितने भी ऐसे और लैटिन एडजेक्टिव्स हैं सारे के सारे वर्ड्स मैंने अपनी वीडियोस में डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं, आफ्टर दैट मैंने आप लोगों के साथ एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स को भी डिस्कस किया जो अपने आप में संपूर्णता आई मीन टू से हाईएस्ट डिग्री कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री को भी डिनोट करते हैं। इफ यू वांट टू रिवाइज आप लोग उन वीडियोस में जाके उन सारे के सारे कीवर्ड्स को नोट डाउन कर सकते हैं। लास्ट 10-15 ईयर से यही वाले वर्ड्स हैं भाई जो रेपिटेशन में है, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं बनता। सो दैट इज द रीजन व्हाई मैं बार बार इस चीज के लिए एम्फेसाइज कर रही हूँ कि इन वर्ड्स को बार बार ढंग से रिवाइज कर लो, पेपर करना बहुत इजी हो जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंटोनिम ऑफ द वर्ड कंटिन्यू, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, बताया था मैंने अगर 20 क्वेश्चन आएंगे जरूरी नहीं है कि 20 के 20 मुश्किल नहीं आएंगे, कुछ पार्ट उसमें से बहुत इजी रहते हैं, लाइक बहुत इजी होगा आराम से कर सकते हो। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है ना, लगातार कोई चीज कंटिन्यूटी में है, सुपर कॉमन वर्ड है, हमेशा सुनते आ रहे हो। कंटिन्यू का एंटोनिम, एंटोनिम होगा हमेशा अपोजिट और डिफरेंट वर्ड्स, पता होना चाहिए। एंटोनिम्स आर द वर्ड्स विद डिफरेंट और अपोजिट मीनिंग, बहुत इजी था मेरे लिए इस चीज को पकड़ना कि मैम यहाँ पे रेगुलर नहीं हो सकता, रेगुलर तो मतलब यहाँ पे इस चीज का कंटिन्यू का डिसकंटिन्यू करना, कंटिन्यू मतलब लगातार, रेगुलर भी कुछ लगातार वाला फील देगा, अप्रूव करना किसी चीज को, अप्रूव कर देना मंजूरी दे देना, सो दैट विल नॉट बी माई आंसर, कंटिन्यू का आंसर बनेगा डिसकंटिन्यू अगर इसका एंटोनिम पूछा जाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, देखिए फिर से वही क्वेश्चन आया जो मैंने आप लोगों के साथ अपनी बहुत रीसेंट टेंसेस की वीडियो में डिस्कस किया था, ये याद रहना चाहिए भाई, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इजी है, शायद हो सकते कि कुछ स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन को पढ़ने में सॉल्व करने में दिक्कत आए, लेकिन अभी मैं एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगी तो उसको सुनते ही ना आप लोगों को याद आ जाएगा कि यस मैम ने ये पॉइंट बताया था और हम लोगों को क्लैरिफाई भी किया था, भाई इस पार्ट को ध्यान से रट लो, समझ में आ जाना चाहिए। अब वो सही के बारे में नहीं पूछ रहा, वो आप लोगों से खाली ये पूछ रहा है, कहता ये बताओ यहाँ पे ये गलत वाला पार्ट कौन से है, व्हाट हैज मीरा फाउंड। चलिए has लगाया, has के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं आती, इतना तो समझ में आ जाता है, मैम has प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और कुछ नहीं है, अभी तो स्ट्रक्चर बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है,
After that, what did Meera find? And then, what did Meera found? What will Meera find? देखिए यहाँ पे आप लोगों का जो टेंस है वो क्लैरिफाई करना बहुत इजी था. अभी तो बताया कि वो अपने आप में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अलावा और कुछ हो भी नहीं सकता. रातर उसको मैं बोल सकती हूँ उसका इंटरोगेटिव वाला वर्जन है. चलिए ये समझ में आ जाता है. रीजन हैज आया, पहले आ गया. आफ्टर दैट हमारा सब्जेक्ट आया. आफ्टर दैट हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आई. नेक्स्ट देखेंगे व्हाट विल मीरा फाइंड. अगर इस पार्ट को चेक करो तो विल हमारे पास फ्यूचर के बारे में इंडिकेशन देगा कि व्हाट विल मीरा फाइंड. और एंड ऑब्वियसली एक बात है, जहां पे भी आप लोगों का विल शैल का यूजेज होगा, एक मोडाल वर्ब भी है. जहां जहां मोडाल वर्ब होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है. और ये और क्या किया है, फर्स्ट फॉर्म ही तो लगाई है. पहले वाला सेंटेंस करेक्ट था तो मैंने उसको टिक कर दिया कि भाई तू तो गलत हो ही नहीं सकता. What will Meera find? फिर से सही लग रहा है. Reason, will shall अपने आप में एक modal है, future के बारे में बता रहा है और इसके साथ verb की first form लगाई जाती है, तो ये भी सही है. Simple जो आप लोगों का present, simple future tense है ना, उसी का interrogative वाला version check करें, same यही structure आएगा. तब समझ में आया भाई तुम भी सही हो. ज्यादातर students का answer क्या बन जाता है, कहते मैम what did Meera find? कहते मैम ये गलत होना चाहिए. रीजन व्हाट डिड मीरा फाउंड, ये हमारी आंखों को सही लगता है. समझेंगे यहाँ पे ना, इन दो पार्ट्स में बहुत कंफ्यूजन चलती है बच्चों को. मैंने अपने लेक्चर में भी बताया था डिड हमेशा किस चीज को प्रिडिक्ट करेगा, पास्ट को. दोनों सेंटेंसेस में यूजेज किस चीज की हो रही है, पास्ट की. और पास्ट की यूजेज के साथ साथ वो आप लोगों को बता के रहा है कि यहाँ पे फाइंड लगा दिया, दैट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. यहाँ पे मैंने फाउंड लगा दिया, दैट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म. एक जनरल ह्यूमन नेचर है कि मैम जहां जहां पास्ट का रेफरेंस आया, मेरे माइंड ने सिर्फ और सिर्फ इतनी बात पकड़नी चाहिए कि जहां पे यहाँ पे आप लोग पास्ट का रेफरेंस लेंगे वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आनी चाहिए. जबकि मैंने अपनी रीसेंट वीडियोस में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था हमारा टेंस कौन सा है, दैट इज सिंपल पास्ट. अब सिंपल पास्ट का मैं असर्टिव वाला, असर्टिव क्या था, सीधे साधे जानकारी देने वाले सेंटेंस, उसके बारे में तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ. मैं बात किस चीज के बारे में कर रही हूँ, इंटरोगेटिव वाले क्वेश्चन के बारे में. इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या था, अभी तो एक दो दिन ही हुए थे डिस्कस किए, याद होना चाहिए भाई. डिड प्लस योर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस चीज को अंडरलाइन कर ले. रीजन क्या है, जहां जहां पास्ट देखती है ना, दिमाग में सबसे पहले एक बात स्ट्राइक होगी कि मैम यहाँ में ना वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी. Assertive structure होता, सीधा साधा जानकारी देने वाला क्वेश्चन, उसका स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट. लेकिन जैसे ही ये सेंटेंस की कैटेगरी चेंज हुई, वो assertive से किस कैटेगरी में फॉल हुआ था, इंटरोगेटिव नेगेटिव, दोनों ही स्ट्रक्चर आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे. दोनों में यही था कि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाई जाएगी, रादर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी. That is the reason why यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे जो found लिखा है ना, ये वाला part तो बिल्कुल सही है. Structure को follow तो कर रहे हैं. देखिए जो structure को follow करेगा वो गलत हो भी कैसे सकते हैं. That means जो C वाला part था, यहाँ पे मैंने क्या लगाया, past तो लगाया ही लगाया, लेकिन यहाँ पे interrogative में verb की second form, इसको second मान लो चाहे इसको third मान लो, लेकिन ज्यादातर students के thought mind में thought आ जाती है मैम वो पास्ट है तो वर्ब की सेकंड है, क्योंकि फाइंड फाउंड फाउंड ही आएगा. दैट इज द रीजन व्हाई मैं ये तो नहीं कह सकती आप लोग इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म मानोगे या थर्ड फॉर्म मानोगे, लेकिन जो भी इसको एज्यूम करके चलोगे ये आंसर हमारा कंप्लीटली रॉन्ग होगा. सो दैट इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें सही आंसर नहीं रादर गलत आंसर की तरफ पॉइंट आउट करना था. सो फटाफट से इस आंसर को टिक कर देंगे. व्हाट डिड मीरा फाउंड, दैट इज योर रॉन्ग ऑप्शन, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए. चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे. सिलेक्ट द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन टू कंप्लीट द सेंटेंस. कोलकाता इज डैश देन मेनी सिटीज. कोलकाता इज डैश. अब
ऑप्शंस की तरफ देखेंगे ना, खाली ऑप्शंस की तरफ देखते ही हम लोगों को समझ में आया कि मैम ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन आप लोगों ने डाल दिया, ये एडजेक्टिव में से है। रीजन आप लोगों के सामने तो है बिग, बिगर, बिगेस्ट, मोर, बिगर, तो समझ में आया कि मैम ये क्वेश्चन तो है एडजेक्टिव्स का। एडजेक्टिव्स का क्वेश्चन होने के साथ साथ बहुत सारी कंफ्यूजन आ जाती है हमारे माइंड में। देखिए सबसे पहली ऑप्शन को चेक करेंगे, दैट इज योर पॉजिटिव डिग्री, जहां पे किसी भी तरीके का कोई भी कंपैरिजन किया ही नहीं जाता। सेकंड इज योर कंपैरेटिव डिग्री, जहां पे कंपैरिजन तो किया जाएगा लेकिन सिर्फ दो चीजों या दो पर्सन के बीच में। थर्ड इज योर सुपरलेटिव डिग्री, जहां पे कंपैरिजन किया जाएगा दो से ज्यादा में से। और लास्ट वाली ऑप्शन मोर बिगर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ना मेरे पास आते हैं एंड दे ऑलवेज से मैम यहाँ पे मोर बिगर ना मेरे को बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है, चलिए बोल के चेक करते हैं। कोलकाता इज मोर बिगर देन मेनी अदर सिटीज, बोलने में बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है बोलचाल की भाषा में भी इसको ऐसे में यूज करते हो, लेकिन जिन लोगों ने ढंग से एडजेक्टिव्स के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया उन स्टूडेंट्स को तो आधे आधे सेकंड में पता चल जाएगा कि मैम ये ऑप्शन टोटली गलत है। उसका रीजन होना चाहिए, देखिए जस्ट हैव अ लुक एट द वर्ड बिग। बिग अपने आप में एक वर्ड है, एडजेक्टिव है, बिग मतलब बड़ा, ये तो समझ में आया। जब मैंने एडजेक्टिव्स को डिस्कस किया था मैंने कुछ एक दो पॉइंट्स डिस्कस किए थे, एक होगा वन सिलेबल, एक होगा मोर देन वन सिलेबल। वन सिलेबल जो एक ही झटके में, जिसको बोलते टाइम आप लोगों को डिले नहीं लेना पड़ रहा, पॉज नहीं लेना पड़ रहा, एक ही झटके में आप लोग उसको बोल सकते हो। जबकि जब हम बात करेंगे मोर देन वन सिलेबल का केस, तो आप लोगों को हल्का सा पॉज देना पड़ेगा। सो मोर बिगर, ये तो हमें समझ में आया मैम, अगर बिग हमारी पॉजिटिव डिग्री है तो बिग, बिगर, बिगेस्ट, ये तो समझ में आया। लेकिन बिगर अपने आप में किस चीज को डिनोट कर रहा था, कंपैरेटिव डिग्री को। तुम लोगों ने क्या किया, उसके आगे मोर लगा दिया, क्योंकि बोलने में बहुत अच्छा लगा लेकिन लॉजिक तो थोड़ा सा सोच के चलना पड़ेगा। अरे भाई डबल कंपैरेटिव डिग्री कैसे लगा सकते हो, ये तो ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है, इसको डबल डबल क्यों कर रहे हो, डबल पॉजिटिव, डबल कंपैरेटिव, डबल सुपरलेटिव, ऐसी चीजें नहीं एग्जिस्ट करती। बोलचाल की भाषा में जितना भी सही लगे लेकिन दिस ऑल आर द रॉन्ग एस्पेक्ट्स। तो वैसे समझ में आया कि मैम मोर बिगर तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। आफ्टर दैट बिग, बिगर, बिगेस्ट, फिर यहाँ पे एक एक करके ऑप्शंस को कट शॉर्ट करेंगे, बिग यहाँ पे नहीं आएगा, सामने देखेंगे यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है कोलकाता का डैश देन मेनी अदर स्टेट्स, पहली ऑप्शन नहीं हो सकती, लास्ट ऑप्शन नहीं हो सकती। और जैसे ही मैंने एक वर्ड को देखा दैट इज देन, तब जो हमारा डाउट था बिगर और बिगेस्ट में, तो फटाफट से वो क्लैरिफाई हो जाएगा कि मैम देन को आप हमेशा यूज करते हो कंपैरेटिव डिग्री के केस में। सो यस, बिगर इज द राइट आंसर एंड बिगेस्ट इज द रॉन्ग ऑप्शन, इसको गलत कर देंगे, बिगर इज द राइट आंसर, कोलकाता इज बिगर देन मेनी अदर स्टेट्स, टिक कर लेंगे जी इसको। चलिए, क्योंकि अगर यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते ऑफ ऑल, ऐसा वाला फील मैंने बताया था ना अपनी वीडियोस में भी बता रखे है, ऑफ ऑल है ना, शी ही सॉरी इट इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल, ये सबसे बड़ा है, ऐसा वाला फील आना चाहिए था ऑफ ऑल वाला, जबकि वो यहाँ पे दूर दूर तक देखने को भी नहीं है। ध्यान जहां जहां आएगा कंपैरेटिव डिग्री को साथ ही लेके आएगा। हु रोट दिस बुक, बाय होम इज दिस बुक, बुक रिटन, राइटर नहीं यहाँ पे रिटन आएगा, बाय होम वॉज दिस बुक रिटन, बाय होम विल दिस बुक बी रिटन, बाय होम वुड दिस बुक बी रिटन। देखिए सबको समझ में आया कि मैम ये क्वेश्चन तो है एक्टिव और पैसिव का, ये तो बात समझ में आ जाती है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने अपनी वीडियोस में भी आप लोगों के साथ क्लैरिफाई किया था, 5 सेकंड से ज्यादा किसी को लगने ही नहीं चाहिए, 5 सेकंड भी आई गेस मैं ज्यादा बोल रही हूँ। रीजन क्या था, हु रोट दिस बुक, वहां पे तो जब मैंने आपको हमारी डिटेल्ड वीडियोस है वहां पे तो मैंने आपको बाय ऑप्शन कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया था। You were supposed to mark the answer. You were supposed to write the answer yourself. लेकिन यहाँ पे तो बहुत ईजी है, दैट इज माई आंसर, कि 5 सेकंड भी शायद मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। अब इस क्वेश्चन को पढ़ें, जहां जैसे ही आप लोगों ने दिस इज योर एक्टिव पार्ट है ना, यहाँ पे ये एक्टिव आप लोगों की वर्ब है, रोड लिख रखे है। और एक चीज बताई थी
एक्टिव या पैसिव, आई होप हर किसी को याद होना चाहिए, हम लोग क्या बोल देते हैं जनरली। मैम ये एक्टिव सेंटेंस है और इसका पैसिव सेंटेंस बताना है। अरे भाई एक्टिव या पैसिव सेंटेंसेस होते ही नहीं है, एक्टिव या पैसिव हमेशा हमारी वर्ब होती है। और यहाँ पे जो रोट है ना, ये आप लोगों की एक्टिव वर्ब है, काम करने वाली, ना कि काम को एक्शन को रिसीव करने वाली। तो यहाँ पे जब रोट लिखा तो समझ में आया दिस इज योर वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे ही वर्ब की सेकंड फॉर्म माइंड में आई, एक बात और दिमाग में चलेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस टेंस का स्ट्रक्चर है। आप लोग बोलोगे कि मैम हम लोगों को इतना तो पता था कि ये अपने आप में सिंपल पास्ट टेंस में मेंशन है। देखिए ये वाला आप लोगों का सिंपल पास्ट, चाहे इंटरोगेटिव है लेकिन एटलीस्ट आप लोगों को वर्ब की फॉर्म से अंदाजा तो हो जाएगा कि यहाँ पे जी पास्ट का रेफरेंस लेगा। और यहाँ पे जैसे ही पास्ट का रेफरेंस लेगा तब समझ में आया एक चीज, मैंने तुम लोगों को और क्लैरिफाई की थी कि जब भी हम लोग वॉइस करेंगे तो वॉइस में कभी भी, सॉरी आप लोग ये वॉइस करेंगे यस, तो कभी भी आप लोगों की जो टेंसेस हैं वो चेंज नहीं होते। ये चीज मैंने क्लियर कट एक्सप्लेन की थी, यहाँ पे टेंसेस नहीं चेंज होने। दैट इज द रीजन व्हाई आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर तू पास्ट की बात करेगा तो ये प्रेजेंट वाला मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये फ्यूचर वाला मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे वॉज या वुड की बात थी, लेकिन वुड तो किसी स्ट्रक्चर में यूज ही नहीं किया। दैट इज द रीजन व्हाई बहुत इजी था हमारे लिए आंसर को मार्क करना, छोटा सा लॉजिक ही मेरा काम कर गया। अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर नहीं भी आता था तब भी बहुत इजीली, देखिए मैंने आपको स्ट्रक्चर तो डिस्कस भी नहीं किया कि भाई इसको चेंज करके किस में लेके आएंगे। यही चीज मैं आपको क्लास में भी बताना चाहती थी कि आप लोग बाय ऑप्शन देखते ही फटाफट से आंसर को पकड़ सकते हैं। रीजन एक ऑप्शन तो वो एक या दो ऑप्शन वो दूसरे टेंसेस की जरूर देगा। जैसे यहाँ पे अगर पास्ट की बात थी तो उसने एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर की दे दी, ये दो ऑप्शंस तो मैं देखते ही कट शॉर्ट कर दूंगी कि यहाँ पे ये तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकते। सो डायरेक्ट हमारा आंसर था बाय होम वॉज दिस बुक रिटर्न। फटाफट से इस आंसर को मार्क कर लेंगे एंड देन वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए कालिदास रोट द प्ले शकुंतला, अब फिर से वही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे भी रोट वाली बात आ गई, यहाँ पे जब रोट आया तब फिर से बात समझ में आई। मैम ये तो सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, पहले तो हमें शायद सोचना पड़ा हो लेकिन अब सोचने का लॉजिक ही नहीं है। फिर से वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे हैज हैव वाली ऑप्शन सही हो ही नहीं सकती। क्या आप लोग द प्ले शकुंतला रिटर्न, खाली रिटर्न लिख देंगे? नॉट एट ऑल पॉसिबल। फिर हमारे पास दो ऑप्शन बची जहां पे वॉज और वॉज का मेंशनिंग था कि मैम ये तो दोनों ही पास्ट में है, वॉज और वॉज में। अरे फिर भी थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, स्ट्रक्चर नहीं भी आता था, फिर से बता रही हूँ नहीं भी आता था तब भी आधे सेकंड में आप लोग आंसर को प्रिडिक्ट कर लोगे। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, रिटर्न बींग रिटर्न, क्या बताया था मैंने बींग वाली फॉर्म कब आएगी, बींग है कौन सी फैमिली से, बी की फैमिली से, बी की फैमिली की आईएनजी वाली फॉर्म को बींग भी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन में पढ़े, मैंने बताया था जब तक एक्टिव में आईएनजी वाली फॉर्म नहीं होगी आप लोग पैसिव में आईएनजी वाली फॉर्म को लगा ही नहीं सकते हो। ये वीडियोस अगर आप लोगों ने ऑलरेडी देख रखी होगी ना तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती कि मैम अगर आईएनजी वाली फॉर्म क्वेश्चन में नहीं है तो हम लोग उसको आंसर में कहां से लगा सकते हैं। आधे सेकंड में पता चला कि मैम द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन, द प्ले शकुंतला वॉज रिटन बाय कालिदास। स्ट्रक्चर पर तो मैंने अभी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने कुछ नहीं बताया वॉज वर्ब को, सॉरी वर्ब की सेकंड फॉर्म को किस में चेंज करेंगे, लेकिन देखते ही पता चल गया कि मैम ये लॉजिक के साथ काम करें, यहाँ पे टेंसेस में कोई बदलाव नहीं होगा। एक गोल्डन रूल के साथ ही मैंने दो क्वेश्चंस को विद इन सेकंड में सॉल्व कर दिया। चलिए अभी इतना ही करेंगे इस वीडियो में, बाकी आप लोगों के पास और वीडियोस भी मिलेंगी जहां पे आप लोगों के साथ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे, पूरी की पूरी एक सीरीज की तरह आप लोगों को मिलेंगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल हो, एटलीस्ट आप लोगों को एक सिनेरियो पता चले अगर हमारे पास एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आए उनको सॉल्व करने की टेक्निक क्या हमारे माइंड में होना चाहिए। हार्ड वर्किंग की बजाय अगर हम स्मार्ट वर्किंग पे भी ध्यान देंगे तब भी हम लोगों को इंग्लिश में विदाउट कुछ क्रैमिंग वाला
पार्ट ना, अगर कुछ चीजें तो आप लोग क्रैम कर लेते हो, लर्न कर लेते हो कि हाँ जी ये ऐसे ऐसे रूल्स थे, लेकिन फिर भी वी हैव ट्राइड कि आप लोगों को एफर्टलेस क्रैमिंग की तरफ लेके जाया जा सके, जहां पे आप लोगों को लर्न करने की जरूरत नहीं है, रादर अपने आप से ही याद हो जाता है रीजन, उसको बार 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 डिस्कस किया जाता है। वैसे ही इन क्वेश्चंस के साथ भी है, जैसे ही आप लोग इन टेक्निक को सीख जाएंगे, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना दिमाग के साथ बहुत इजी हो जाते हैं। स्ट्रक्चर नहीं भी आता था, एक साइड पे रख दो, हो सकता है हल्का फुल्का कोई डाउट हो, बाय ऑप्शंस भी मैंने टेक्निक क्या लगाई कि मैंने सही आंसर ढूंढने की बजाय सबसे पहले गलत आंसर पे फोकस किया कि भाई जो गलत ऑप्शन है सबसे पहले उसको कट शॉर्ट कर दो। मेरे को हो सकता है वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर ये एक्टिव है, मेरे को इसका पैसिव आता ही नहीं था, लेकिन फिर भी सही आंसर तक पहुंच गए। कैसे पहुंचे? टेक्निक के साथ, सही से पहले गलत आंसर ढूंढ के उसको कट शॉर्ट कर दो। जो आप लोगों के पास दो ऑप्शंस बचेंगी जहां पे कंफ्यूजन होती है वहां से बहुत इजीली निकल सकती हैं हल्का फुल्का, तो रूल्स कुछ ना कुछ आपके माइंड में चलेंगे ही चलेंगे, तो उन रूल्स के थ्रू हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चंस को। सो ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी कंटिन्यूटी में, और भी क्वेश्चंस आएंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू। यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। तो हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे अपनी मॉक टेस्ट सीरीज में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आई गेस आप लोगों को अपने फाइनल एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। एक सिनेरियो क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस को पूछा जाता है एंड हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करेंगे उसी सीरीज में कुछ नए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। रीजन प्रॉमिस किया था कि सारे के सारे पार्ट्स में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को लेके आएंगे और पूरी की पूरी सीरीज आप लोगों को अवेलेबल होगी। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। राजा इज डैश ऑनेस्ट बॉय, देखिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे, राजा इज डैश ऑनेस्ट बॉय, ऑप्शंस आर अ एंड द एंड नो एरर। समझ में आ जाता है कि मैम ये और किसी का नहीं, ये आर्टिकल्स वाला क्वेश्चन है। रीजन तीन ही आर्टिकल्स है हमारे पास, अ एंड और द, और आप लोगों के साथ बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ अ एंड का यूजेज कहां पे किया जाएगा, द का यूजेज कहां पे किया जाएगा, और ऐसी भी एग्जांपल्स थी जहां पे किसी भी तरीके के आप लोगों को आर्टिकल लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, प्योर केस ऑफ नो आर्टिकल, वो भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका था, तो क्वेश्चंस करने में बहुत ईज हो जाती है। लेकिन जब इस क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, राजा इज डैश ऑनेस्ट बॉय, बताया था बॉय अपने आप में आ जाएगा नाउन, ऑनेस्ट दैट इज योर एडजेक्टिव। ये आप लोग स्ट्रक्चर, ये फॉर्मेट, ये पोजीशन पहले भी डिस्कस कर चुके हो, बताया था अगर आगे नाउन होगा तो यहाँ पे आर्टिकल देना ही देना बनता है। अगर किसी स्टूडेंट के माइंड में अभी भी आ रहा है मैम राजा इज ऑनेस्ट बॉय, दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे ना कोई भी आर्टिकल लगाना ही नहीं चाहता, अरे भाई आर्टिकल तो लगाना ही पड़ेगा ना, यहाँ पे राजा, राजा तो अपने आप में प्रॉपर नाउन था, प्रॉपर नाउन के आगे कब से आर्टिकल देने लग गए हम लोग, तो प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल नहीं लगाया, दैट इज द रीजन व्हाई कि यहाँ पे आगे कुछ लगा भी नहीं हुआ, दैट इज जस्टिफाइड। लेकिन यहाँ पे बॉय दैट इज अ नाउन, उसके आगे क्या लगाया, ऑनेस्ट, दैट इज एन एडजेक्टिव, और जैसे ही एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये पोजीशन हल्का हल्का याद आ रहा होगा अपने दोनों पार्ट्स में, मैंने नाउन्स में भी और आर्टिकल्स में भी ये चीजें डबल डबल डिस्कस कर रखी हैं, तो आई होप अब तक तो याद आ जाना चाहिए था डैश ऑनेस्ट बॉय। इतना समझ में आया कि मैम यहाँ पे द तो नहीं आ सकता, रीजन जहां पे आप लोग इस तरीके से मेंशन करेंगे राजा इज द ऑनेस्ट बॉय, राजा वो वाला ऑनेस्ट लड़का है, ऐसा नहीं होता, बताया था जैसे ही यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा वहां पे आप लोग हमेशा याद है ना SCN मैंने आप लोगों को बताया था, जहां पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा वहां पे द का यूजेज नहीं करते हैं, रादर हम लोग यूज किस चीज का करते हैं, अ या एंड का। अब ये दुविधा में नहीं जाएंगे मैम, यहाँ पे हम लोग ना डायरेक्टली अ लिख दे, रीजन क्या था, कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है अभी भी कंफ्यूजन हो कि मैम एच लिख रखा है, कि हम लोगों को तो टीचर ने शुरू से बताया था ए ई आई ओ यू, कहते जहां पे ये वाले वाउल साउंड्स, कुछ स्टूडेंट्स इसको वोवल बोलते हैं, इट्स नॉट वोवल, इट्स वाउल्स, तो जहां पे ये वाली वाउल साउंड आएगी कहते वहां पे तो हम लोग एन लगाते, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ था ही नहीं,
ध्यान से समझना पड़ेगा, वाउल साउंड्स की तरफ जरूर देना है, खाली वाउल लेटर्स की तरफ नहीं ध्यान देंगे। लेटर तो यहाँ पे डेफिनेटली वाउल नहीं लिखा हुआ, लेकिन साउंड की तरफ ध्यान देंगे। कैसे प्रोनाउंस करते हैं हम इसको, दैट इज नॉट हॉनेस्ट, दैट इज ऑनेस्ट। यहाँ पे एच साइलेंट रहता है, ओ की साउंड ऑनेस्ट। मैंने बताया था आप लोगों को, प्रॉपर एक्सप्लेन भी किया था, सबसे पहले आपके मुंह से निकलने वाली आवाज, इफ दैट इज अ वाउल साउंड डेफिनेटली हम लोग यूज करेंगे एन का, अगर वो वाउल साउंड आएगी तो। एन ऑनेस्ट, ओ की साउंड आई तब हमें समझ में आया कि यहाँ पे एन के अलावा और कोई आंसर बन भी नहीं सकता। राहुल इज एन ऑनेस्ट बॉय। मार्क कर लेंगे जी फटाफट से इस आंसर को, और वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं, सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, वीडियो को पॉज करके खुद से सबसे पहले अपना आंसर बनाएंगे, सो दैट मेरे को पता चल सके आप लोग कितने, मतलब आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है कितने सही है कितने गलत है, हम लोगों को खुद ही अपना लेवल पता चल जाएगा। बहुत हेल्पफुल रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। सो ही इज डैश और फन, तो डेफिनेटली अब सेम कॉन्सेप्ट पहले ही बता चुकी हूँ, ही इज डैश ऑर्फन, ऑर्फन होगा अनार, यहाँ पे ये काम करेगा नाउन का, और जहां पे ये काम करेगा नाउन का आर्टिकल तो देना बनेगा। ही इज द ऑर्फन, ये पॉसिबल ही नहीं है, आर्टिकल ना दे ये भी पॉसिबल नहीं है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, हमारे पास नाउन तो है सिंगुलर काउंटेबल भी है, तो समझ में आया और या एन में से ही आर्टिकल देना पड़ेगा, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन करके देखेंगे। मैंने ओ लेटर को देखना नहीं है, मैंने रादर इसकी साउंड पे ध्यान देना है, ऑफन ऑफन है ना। और यहाँ पे ना एक बात हमेशा याद रखेंगे, यहाँ पे ना एक आर लिखा है, ध्यान से देखें, लेटर लिखा है आर, और उसके बाद ना आप लोग ध्यान दें एक कॉन्सोनेंट साउंड है, देखिए पी लिख रखे है ना, तो सो दैट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पे जब भी ऐसा लॉजिक रहता है ना, तो आप लोग वहां पे, वैसे ये बोलचाल की भाषा में ज्यादा डिस्कस किया जाता है, लेकिन फिर भी अभी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग पढ़ रही है तो समझ आना चाहिए। अगर ऐसा वाला कॉन्सेप्ट होगा आप लोगों को, उस कॉन्सेप्ट में आर हमेशा साइलेंट रहेगा, दैट इज ऑफन ऑफन, इसको बोल देते हैं दैट इज ऑर्फन, लेकिन ऑर्फन ही होता दैट इज ऑफन, क्योंकि आर को आपको साइलेंट रखना पड़ता है। आर के बाद जब भी कॉन्सोनेंट साउंड आएगी आर भी साइलेंट हो जाएगा, तो समझेंगे, लेकिन ये लॉजिक हमारा बोलचाल की भाषा में जैसे मैंने बताया वो ज्यादा काम करता। He is dash often. तो ओ की साउंड तो आई, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा एन, he is an often. फटाफट से आंसर को टिक कर लेंगे, चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज नॉट सच डैश बिग प्रॉब्लम एज यू थिंक, समझेंगे इस चीज को, इट इज नॉट सच, अब यहाँ पे सच लिख दिया, डैश बिग प्रॉब्लम एज यू थिंक। देखिए जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो कुछ है उनको ये नॉलेज है, बहुत ढंग से पता है, मैंने बताया भी था, एक वर्ड है सच, एक वर्ड है मैनी, एक वर्ड है रादर, ये दो तीन कीवर्ड्स मैंने अपनी कुछ वीडियोस में डिस्कस किए थे कि जहां जहां ये वर्ड्स आ जाएं, इनके बाद आप लोगों को लगाना हो आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद मतलब यहाँ पे क्या लिखा था, बिग प्रॉब्लम, ये बिग प्रॉब्लम ना अपने आप में मेरे को फिर से SCN वाला फील दे रही है। What is this SCN? SCN stands for singular countable noun. तब समझ में आया, अगर यहाँ पे ये singular countable noun है, यहाँ पे such आता, many आता, rather आता, जब जब ये वाले words का usage किया जाएगा, इनके बाद हमेशा आप लोग use करेंगे a या an का, यहाँ पे the का usage नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार दिक्कत हो जाती है, मैम a an का तो decide कर लेते, लेकिन हमारे माइंड में सेकंड थॉट भी था कि क्यों ना यहाँ पे द को लगा दिया जाए, जहां पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा आप लोग द लगा ही नहीं सकते हो, द हमेशा स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात करेगा। सो हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर देना बहुत इजी था, क्योंकि यहाँ पे बिग लिख रखा था, बिग ब की साउंड आई, दैट इज द रीजन व्हाई ए इज आवर राइट आंसर, इट इज नॉट सच अ बिग प्रॉब्लम एज यू थिंक। जल्दी से आंसर को मार्क कर लेंगे, नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन। चलिए वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आप लोगों को डिटो कॉपी पेस्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, ही इज डैश यूरोपियन, अब फिर से वही कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। जो लोग इसी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन लोगों ने ढंग से कॉन्सेप्ट नहीं याद किए हैं,
उनका माइंड हो सकता है फिर से यही बोले कि माम हम लोगों ने तो इस ई को देखा और ए ई आई ओ यू टीचर ने शुरू से ही दिमाग में फिट कर रखा था, जहां पे भाई ये वाले वाउस को देखो बिना कुछ सोचे समझे एन लगा दो। नहीं जी, आप लोगों को वाउल लेटर्स पे नहीं, वाउल लेटर की साउंड पे फोकस करना पड़ेगा। अगर साउंड को समझने की कोशिश करें, यहाँ पे ई से ई की साउंड आई में नहीं, रादर यहाँ पे साउंड किस चीज की है, यह की यूरोपियन, समझेंगे यूरोपियन नहीं बोला जाता इसको, दैट इज यूरोपियन, यूरोपियन तो इस तरीके से बोला जाएगा। ही इज डैश यू, जब मैंने इसको बोलना शुरू किया सबसे पहले आप लोगों के मुंह में से कौन सी वाली साउंड आएगी, दैट द साउंड इज य, जब य वाली साउंड आई तब समझ में आया द तो लगाना ही नहीं था क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक चीजों के बारे में नहीं बता रहा, और या एन लगाना था, जब य आया तो यहाँ पे मेरे माइंड में समझ में आया ही इज एन यूरोपियन नहीं आएगा, ही इज अ यूरोपियन। फटाफट से इस चीज को डिस्कस कर लेंगे ताकि समझ में आता रहे, अपने आंसर्स को जल्दी से मार्क करते जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश लेडीज आर नॉट इंडियन, चलिए बहुत इजी है इस टाइप के भी क्वेश्चंस, जब आप लोगों को इजी सा लेवल एक मेंटेन कर देते हैं, मुश्किल क्वेश्चंस भी आते हैं बट कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इजी लगेंगे, ऐसी पूरी की पूरी सीरीज रहेगी जहां पे अभी मैंने फिलहाल एक लो लेवल भी नहीं कह सकते, एक मॉडरेट लेवल है जहां पे मिक्सचर क्वेश्चंस है, लेकिन अभी जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चंस को एंडिंग की तरफ जाएंगे ना यहाँ पे लेवल भी बढ़ता जाएगा। सो डेफिनेटली पूरी की पूरी वीडियोस पूरी की पूरी सीरीज के साथ जरूर जुड़े रहिएगा ताकि आप लोगों को ढंग से समझ में आ जाए लो लेवल से कब हम मॉडरेट लेवल और कब हम हाई लेवल तक क्वेश्चंस को ले जाएंगे, बहुत एक सिमेट्री में चला जाएगा, एक हायरार्की को फॉलो किया जाएगा ताकि इजी वाला पोर्शन भी कवर हो जाए, मॉडरेट वाला भी और डिफिकल्ट वाला लेवल भी, किसी चीज की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डैश लेडीज आर नॉट इंडियन, समझ में आया मैम, यहाँ पे लेडीज की बात कर रही है, अगर लेडीज की बात कर दी तो दिस और दैट, क्या ये हमारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, दिस और दैट भाई हर किसी को पता है सिंगुलर के लिए यूज करते हो, दिस लेडीज आर नॉट इंडियन, दैट लेडीज आर नॉट इंडियन। चलिए अगर यहाँ पे लेडीज है तो दैट को नहीं यूज करोगे, दैट लेडीज आर नॉट इंडियन बोलचाल की भाषा में शायद किसी को सही लगे, लेकिन दैट हमेशा एक के लिए यूज किया जाएगा और फार मतलब जो दूर है चीजें या पर्सन उनके लिए यूज किया जाएगा। अगर ये प्लूरल वाला केस है तो डेफिनेटली यहाँ पे आंसर भी आएगा दोज, दोज लेडीज आर नॉट इंडियन, वो जो लेडीज है वो इंडियन नहीं है, टिक कर लेंगे जी। कई बार स्टूडेंट्स को यहाँ पे दैट आंसर में दिक्कत आती है कि मैम शायद यहाँ पे दैट सही हो, नहीं जी दैट इज नॉट द राइट आंसर। चलिए डैश इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, समझेंगे डैश इज डिफरेंट, अब एक एक ऑप्शन को पिक करें और टिक करते हैं, पहली ऑप्शन थी ऑल स्टूडेंट्स, लेकिन एक बात समझने की कोशिश करो, ऑल मतलब सारा, सारे स्टूडेंट्स, ये वाला फील आ रहा है कि नहीं, अगर सारे स्टूडेंट्स की बात करोगे तो इसका यूजेज कहां से कर दोगे, इस अपने आप में सिंगुलर वर्ब है, अगर सिंगुलर वर्ब है हमारे पास जो सब्जेक्ट होगा वो भी सिंगुलर ही होना चाहिए, ऑल सब्जेक्ट्स प्लूरल आप लोगों का सब्जेक्ट है तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स और देखें, स्टूडेंट्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, पॉसिबल ही नहीं है भाई, अ स्टूडेंट, कई स्टूडेंट्स को लगता है कि मैम हम ना बी और डी ऑप्शन में ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दे, कहता अ स्टूडेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, एक स्टूडेंट दूसरे से डिफरेंट है, ये कैसे हो सकता है, आप लोग यहाँ पे अ स्टूडेंट के साथ बनाने की कोशिश करें इसकी कोई सेंस ही नहीं बनेगी। फिर कई स्टूडेंट्स को अभी भी डाउट रहते हैं, कहते मैम ईच स्टूडेंट्स, हम ये लिख तो दे लेकिन ईच ना जहां पे हमें यूज किया गया और साथ में स्टूडेंट्स भी लिख दिया, कहते हम लोगों ने तो इसको टिक कर दिया क्योंकि ईच स्टूडेंट्स, ईच मतलब हर है ना, प्रत्येक, हर एक, प्रत्येक वाला फील आएगा, और ये जो पार्ट है ना ये भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बताया था ये सारे के सारे प्रोनाउंस का काम करते हैं, प्रोनाउंस में इस कैटेगरी को डिस्कस किया था तो वहां पे भी बताया था ये हमेशा एक डिस्ट्रीब्यूटेड, समझ में आ रही है बात, ये जो ईच वाली कैटेगरी है ना ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत क्या आती है, कहते मैम हम ना अभी तक
पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानने के काबिल नहीं हो रही है, समझना पड़ेगा भाई। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कुछ बांटना, जो ईच है ना वो अपने आप में बांटने का काम करता है, लेकिन इक्वल बांटा, सबको बांटा। जब मैंने ये करवाया था तब बताया भी था ईच हुआ, आइदर हुआ, नाइदर हुआ, बहुत सारे मैंने वेरिएट्स भी करवाए थे, आगे भी इनको बहुत डेप्थ तक डिस्कस किया था, चाहे वो एनीवन था चाहे वो नन था, एक एक लॉजिक के ऊपर काम किया था कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करने हैं। अगर ऐसा वाला पार्ट रहेगा ईच स्टूडेंट्स के साथ हमेशा इज आता है, हमें अंदर से हमेशा ये फील आती है कि मैम ईच लगा रहे हो, ईच मतलब हर एक, लेकिन ये जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं, चाहे वो ईच है चाहे वो आइदर है चाहे वो नाइदर है, साफ साफ क्लियर कट बताया था तीनों के साथ आप लोग यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब का। दैट इज द रीजन व्हाई यहाँ पे हमारा आंसर होना चाहिए ईच स्टूडेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। टिक कर लेंगे इस क्वेश्चन को ताकि लॉजिक समझ में आ जाए। चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और 18th क्वेश्चन, विच विल यू हैव डैश है ना, और डैश में इसने दो दो चार चार ऑप्शंस दे रखी हैं। विच विल यू हैव, तुम क्या लोगे, इट और दिस, दैट और देम, दीज और दोस, दिस और दीज। अब छोटा सा लॉजिक लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, वैसे ही हमें क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कि मैम इट और दिस कभी नहीं सुना, दिस और दैट है ना, ये सुना होता दिस और दैट तब तो समझ में आया, दैट मीन्स ये ऑप्शन नहीं हो सकती है, दैट और देम ऐसा भी कभी नहीं होता, दिस और दीज नहीं भाई, या तो दिस और दैट होगा या फिर दीज और दोज होगा। इसी तरीके से हमें समझ में आया दीज और दोज, क्योंकि और भी जब आप लोग लगा रहे हो ना, और बेसिकली यहाँ पे आइदर वाली फॉर्म में काम करेगा कि या तो ये या तो वो, तो वहां पे समझ में आएगा विच विल यू हैव, दीज और दोज, इट और देम, दिस और दीज, ये कोई लॉजिक ही नहीं बनेगा। कुछ सिंगुलर कुछ प्लूरल, दोनों तरफ अगर और लगा रहे हो ना तो दोनों तरफ प्लूरल वाला वर्जन होना चाहिए। दिस और दैट लगाते तो शायद सही हो जाता, दीज और दोज लगा दिया तब भी सही है, लेकिन दोनों तरफ सिंगुलर हो या फिर दोनों तरफ प्लूरल वाला वर्जन होना चाहिए। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, बहुत ढंग से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, बहुत इजी हो जाते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना अगर दिमाग साथ में हमारा काम करे और लॉजिक पता चलते रहे। डैश पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, अब दिस पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, ये भी सही लगेगा, दैट पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, ये भी कहीं ना कहीं समझ में आना शुरू हो जाएगा। रीजन, हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, बोलचाल की भाषा के अकॉर्डिंग। मैम मैंने तो दिस बोल के देखा, मेरे को तो कोई गलत नहीं लगा, ये सेंटेंस सही भी हो सकता है, कहते मैंने दैट बोल के देखा तब भी मेरे को बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे, आंसर आप लोगों के सामने वैसे समझ में आ जाएगा। एक वर्ड लिखा हुआ था यहाँ पे माइटियर, जैसे ही माइटियर को देखा, कुछ ज्यादा तो नहीं लेकिन इतना जरूर समझ में आया कि मैम यहाँ पे ना कंपैरिजन तो हो रहा है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, पेन कलम और स्वॉर्ड, तलवार, कलम और तलवार का कंपैरिजन हुआ और समझ में आया मैम माइटियर की बात कर रहे हैं ना, तो सही है, कंपैरेटिव डिग्री तो है, दो का कंपैरिजन हो रहा है, और लास्ट में ईआर लगा दिया तब हमें और श्योरिटी हुई कि बिल्कुल ये हमारा यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री की ही बात करेगा। और अगर इस तरीके का कंपैरिजन है, जब दो चीजों का आप लोग कंपैरिजन कर रहे हो, कंपैरिजन भी इस तरफ देखें, अगर यहाँ पे द स्वॉर्ड दिख रखा था तो अनडाउटेडली बिना कुछ सोचे समझे आराम से हम लोग अपना आंसर द को टिक कर सकते थे। रीजन, अगर कंपैरिजन के इस तरफ एक चीज है जहां पे द लगा दिया तो कंपैरिजन के उस तरफ भी सेम ही चीज होनी चाहिए जहां पे हम लोग द का यूजेज करेंगे। कंपैरिजन हमेशा बराबर वालों के बीच में होता है, बहुत बार बताया था, बस इसी छोटी सी थ्योरी पे काम कर लेंगे तब भी बहुत इजीली आंसर आ जाता है, अदरवाइज स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में रहते हैं, मैम यहाँ पे दिस भी अच्छा लग रहा था दैट भी अच्छा लग रहा था, छोटा सा लॉजिक पकड़ेंगे हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा एंड दैट मस्ट बी करेक्ट।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे. डैश ग्रीन टी इज डैश. अब ग्रीन टी की बात कर रहे हैं, अगर ग्रीन ट्री की बात करेगा यहाँ पे दीज तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हरा पेड़ है ना, वो एक की बात कर रहे हैं. अगर ग्रीन टी है तो समझ में आया ये तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, मतलब सिंगुलर होना चाहिए. क्या यहाँ पे ऑल आ सकता है? ऑल मतलब सारा का सारा, नॉट एट ऑल पॉसिबल. लेकिन यहाँ पे अगर मैं आंसर लगाऊ दिस ग्रीन टी इज देयर्स, ये हरा पेड़ उनका है, यहाँ पे देयर्स का यूज किया. कई स्टूडेंट्स को देयर्स का लॉजिक समझ में नहीं आता, लेकिन समझ ले भाई ये अपने आप में और कुछ नहीं है. स्टूडेंट्स जो पुराने हैं उन लोगों को तो पता होना चाहिए कि देयर्स अपने आप में पोजेसिव प्रोनाउन का ही काम करेगा. याद है ना आप लोगों को, दे की फैमिली, दे अपने आप में क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल केस. थर्ड पर्सन प्लूरल का एक ही वर्ड था दे. दे अपने आप में सब्जेक्ट है, देम उसी का ऑब्जेक्ट है, आफ्टर दैट देयर उनका पोजेसिव एडजेक्टिव है, और देयर्स उन्हीं का पोजेसिव प्रोनाउन है. तो दिस ग्रीन ट्री इज देयर्स, ये हरा पेड़ उनका है, उनके बारे में हक के साथ बताया जाएगा. चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. डैश लेडीज आर नॉट इंडियंस. आई थिंक ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. यहाँ पे लेडीज हैं तो दिस या दैट आने का लॉजिक ही नहीं आएगा. दोज लेडीज आर नॉट इंडियंस, क्योंकि वहां पे अगर प्लूरल है यहाँ पे भी प्लूरल ही चाहिए. क्वेश्चन रिपीट था जी. चलिए नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन. मिस्टर घोष डैश यस्टरडे अबाउट द सैंपल मटीरियल्स यू वॉन्टेड. अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े. जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा लॉजिक आता है ना वो बहुत इजीली, जिन लोगों ने टेंसेस को ढंग से कर लिया, सिर्फ दो दो तीन तीन सेकंड में आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो. मिस्टर घोष डैश यस्टरडे, जैसे ही कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी. कईयों को कॉल्ड, हैज कॉल्ड, कहते मैं मिस्टर घोष हैज कॉल्ड यस्टरडे अबाउट द सैंपल मटीरियल्स यू वॉन्टेड. उन्होंने कल कॉल किया था किसके बारे में? वही सैंपल मटेरियल जो तुम्हें चाहिए था. तो कॉल तो कर चुकी है ना, और ज्यादा नहीं तो एक कीवर्ड था जो मैंने आप लोगों को सिंपल पास्ट टेंस में स्पेसिफिकली लिखवाया था कि जहां पे भी आप लोगों का यस्टरडे आ जाएगा यहाँ पे हम लोगों को डायरेक्टली समझ में आ जाता है कि यहाँ पे आप लोगों का सिंपल पास्ट टेंस की यूसेज की जाएगी, तब हम लोगों को समझ में आएगा. मिस्टर घोष डैश यस्टरडे, यहाँ पे आप लोगों की कॉल्ड के अलावा और कोई ऑप्शन सेट बैठेगी नहीं. रीजन, यस्टरडे हमेशा बात करेगा सिंपल पास्ट टेंस के बारे में. कईयों को वॉज कॉलिंग, कॉलिंग थोड़ी आएगा. मिस्टर घोष वॉज कॉलिंग यस्टरडे, क्या वो अभी तक कॉल करते ही जा रहे हैं? ये तो स्ट्रक्चर ही नहीं था. ये इनफैक्ट ये स्ट्रक्चर था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, लेकिन यस्टरडे कीवर्ड देखते ही ना, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन जैसे ही छोटे छोटे कीवर्ड्स पे काम कर लिया तब कंफ्यूजन का कोई इश्यू नहीं है. यस्टरडे एक कीवर्ड है जो बीते हुए कल के बारे में और काम के पूरे होने के बारे में बहुत हद तक हमें इंडिकेशन दे देगा. तो अगर यस्टरडे की बात कर दी, हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस के अलावा किसी और ऑप्शन को देखना बनता ही नहीं था. सिंपल आप लोग यहाँ पे कॉल्ड लगा देंगे एंड दैट इज योर राइट आंसर. आई होप आप सबके आंसर सही जा रहे होंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके आई थिंक दैट इज अ रिपीटेशन रिलेटेड वन. आगे समझेंगे. व्हाइल आई वाज, समझेंगे इस क्वेश्चन को. ये तकरीबन तुम्हारे क्वेश्चन टेंसेस वाला बहुत सारा क्वेश्चन कवर कर रहे हैं. ऑलमोस्ट 12 टेंस हम लोगों ने बहुत अच्छे से ढंग से कर लिए थे, और उन्हीं के बीच बीच में से क्वेश्चन बनेंगे. लेकिन अगर लॉजिक आता है ना आधे सेकंड में आंसर आ जाएगा. व्हाइल आई वाज एक्सप्लेनिंग हाउ द पंप वर्क्ड सडनली द इलेक्ट्रिसिटी डैश कट ऑफ. तो समझेंगे, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है. रीजन, मैंने फिर से कीवर्ड्स पे काम किया और एक छोटा सा लॉजिक हमारे माइंड में आया. और लॉजिक क्या कहता था? कहता यहाँ पे ना वाइल लिख रखा है, और वाइल कुछ देखा दिखाया सुना सुनाया वर्ड नहीं लगेगा. वाइल को मैंने यूज किया था कहाँ पे? जो टेंस आप लोगों ने बहुत रिसेंटली किया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बताया था. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या था? That was, was were, लिख लेंगे जी, was were plus V1 ING. जिन लोगों को समझ में आया, और मैंने specifically इस past
कंटिन्यूस टेंस में ये पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि वाइल को कहां पे यूज किया जाएगा, पैरेलल एक्शंस इन पास्ट, आई होप हर किसी को याद आ रहा होगा। ऐसे काम जो पास्ट में कंटिन्यूटी में चल रहे थे लेकिन पैरेलल थे, पैरेलल मतलब अगर एक काम चल रहा है तो पैरेलल ही आई गेस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दूसरा काम भी चल रहा है, तो दैट इज द रीजन व्हाई मैंने आप लोगों को बताया भी था। अगर यहाँ पे फर्स्ट वाले हाफ में आप लोग वाज वर प्लस वी वर आईएनजी का यूज करेंगे तो वहीं पे वो दूसरा काम जो सडनली, सडनली मतलब अचानक कहता ये व्हाई आई वाज एक्सप्लेनिंग हाउ द पंप वर्क, कहता मैं एक्सप्लेन कर रहा था, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि पंप कैसे काम करता है, सडनली द इलेक्ट्रिसिटी डैश ऑफ, मतलब उसी टाइम बिजली चली गई, जब मैं वो एक्सप्लेन कर रहा था तभी बिजली चली गई। क्या दोनों काम के बीच में कोई टाइम गैप होगा? नहीं होगा, रीजन व्हाई बताता तो है दोनों काम पैरेलल ही चलेंगे। और अगर पहले वाले सेंटेंस में आप लोग वाज वर प्लस वी वर आईएनजी का यूज करेंगे तो दूसरे में उस चीज को सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मैम हम यहाँ पे हैड बीन हैव बीन, रीजन ये हैड बीन हैव बीन बोलचाल की भाषा में बहुत यूज किया जाता है तो बोलने में सही बहुत लगेगा। सडनली द इलेक्ट्रिसिटी हैड बीन कट ऑफ, हैव बीन कट ऑफ, अरे भाई ऐसा लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर यहाँ पे वॉज वर्ड था यहाँ पे भी वॉज ही आना चाहिए, लिख लेंगे जी। अगर वहां पे पास्ट का रेफरेंस था तो यहाँ पे भी पास्ट का ही रेफरेंस होगा, सिर्फ पास्ट का रेफरेंस पकड़ के चलेंगे तब भी समझ में आ जाएगा दैट द इलेक्ट्रिसिटी सडनली द इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ, लिख लेंगे जी, इस चीज को मार्क कर लेंगे। After that, come to our next question. She is dash the soup to see if it needs more salt. कहता वो क्या कर रही है सूप को? Taste करना चाहती है. She is being tasting. She is tasting. She is being tasting. She is tasted. Tasted तो नहीं आ सकता, लेकिन हाँ यहाँ पे एक बात है. जब भी ऐसी कोई चीज कंटिन्यूटी में होगी तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे टेस्टिंग का। शी इज टेस्टिंग द सूप, कहता वो कर रही है। इफ इट नीड्स मोर सॉल्ट, अगर इट के साथ यहाँ पे नीड लगा दिया ना तो मेरे को समझ में आया कि यहाँ पे आप लोगों की वी वन प्लस एस या ईएस, मतलब यहाँ पे सेंटेंस में रेफरेंस किस चीज का लिया गया? प्रेजेंट टेंस का। और जहां पे प्रेजेंट टेंस की बात थी ये बीन टेस्टिंग टेस्टेड नहीं लगाएंगे, रादर उसी की बेसिक वाले की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा देंगे। सो शी इज टेस्टिंग द सूप टू सी इफ इट नीड्स मोर सॉल्ट, बहुत को टेस्ट करिए सूप को ताकि उसमें और ज्यादा नमक की जरूरत है या नहीं है, वो टेस्ट कर रही है, टेस्टिंग लिख लेंगे। चलिए आएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अ लेटर पोएम एक्सेट्रा हुज ऑथर इज अननोन, मैंने बताया था आप लोगों को वन वर्ड फॉर मेनी या वन वर्ड फॉर सब्स्टिट्यूशन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ पे ये चीजें समझ में आनी, क्लैरिफाइंग होनी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, अ लेटर और पोएम, एक लेटर या पोएम ऐसा था हुज ऑथर इज अननोन, कोई ऐसा लेटर या पोएम लिख दी जिसके ऑथर के बारे में, मतलब जिसके लिखने वाले के बारे में मेरे को पता ही नहीं है। अब ऑप्शंस देखेंगे और फटाफट से हमारे पास आंसर्स आने शुरू हो जाएंगे। ऑप्शंस है इररिपेयरेबल, इररिपेयरेबल मतलब जिसकी रिपेयर ही नहीं की जा सकती, क्या वो मेरा आंसर हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। जर्मिनेशन, आई होप एसएसटी और साइंस की टेक्स्ट बुक्स में बचपन में हर किसी ने सीड जर्मिनेशन वाला चैप्टर है ना, जर्मिनेशन किसी चीज का उगना, जैसे बोलते हैं ना वो अंकुरित जैसा, ऐसा अंकुरित होना। सो जर्मिनेशन तो इसका आंसर नहीं हो सकता कि किसी चीज का अंकुरित होना, सॉर्ट आउट। नेक्स्ट वर्ड इज कैलस, कैलस मीन्स अगर आपको आता था तो है अच्छी बात है, अगर नहीं आता हम लोगों को खाली सही आंसर नहीं ढूंढना, जो बाकी ऑप्शंस हैं उन पे भी काम करना पड़ेगा कि अगर ये ऑप्शंस नहीं है ना तो क्यों नहीं है, क्योंकि होप सो इन्हीं ऑप्शंस में से क्वेश्चन बन बन के अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। लिखेंगे जी, कैलस मींस नॉट केयरिंग अबाउट द फीलिंग्स ऑफ अदर, जिस इंसान को दूसरे की फीलिंग्स के बारे में कदर ही नहीं है, कैलस समझ करना, इसको याद करना बहुत इजी है। जैसे मैं बोलती हूँ ना कि वो बहुत ही केयरलेस है, बस केयरलेस जैसा ही बन जाएगा कैलस,
केयरलेस मतलब कोई ऐसा इंसान जिसको दूसरे की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। केयरलेस यहाँ इसका आंसर नहीं हो सकता। एनोनिमस, हम बोलते हैं ना कि जैसे मेरे को एक एनोनिमस कॉल आई, मेरे को पता नहीं था भाई वो पर्सन कौन था। तो बस अगर किसी पोयम या फिर किसी कहानी का या किसी लेटर के ऑथर का नाम ही नहीं पता तो उस वर्ड को बोला जाएगा एनोनिमस। राइट आंसर तक तो हर कोई पहुंच जाता, लेकिन बाकी सारी ऑप्शंस को भी डिस्कस करना हमारे लिए मैंडेटरी है। रीजन कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स, दैट किल्स जर्म्स इज कॉल्ड, कहता जो जर्म्स को मारने का काम करेगी ऐसी मेडिसिन को क्या बोला जाएगा। देखिए जर्म्स को मारना है, जर्म्स हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुए, ये हमें समझ में आएगा। अब ये बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो मिक्सचर सा लग रही है हम लोगों को। एक काम करते हैं, एक एक करके कट आउट करने की कोशिश करेंगे। पहली ऑप्शन थी आयुर्वेदिक, नॉट एट ऑल पॉसिबल, आयुर्वेदिक तो ऑप्शन हो ही नहीं सकती है। आफ्टर दैट जर्मिनेशन, रीजन में अभी सिर्फ ना गलत वाली ऑप्शंस को क्रॉस करती जा रही हूँ। फिर कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आएगा कि शायद एंटीसेप्टिक इसका आंसर हो सकता है। जैसे बोला जाता है ना घर में भी, सब बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि भाई जो आपकी हल्दी है ना, अगर कहीं चोट वोट लग जाती है तो आप एंटीसेप्टिक लगा लो। एंटीसेप्टिक क्यों लगाते हो? मान लो हम कहीं से गिर पड़ जाते हैं तो थोड़ा चोट वोट आ गई, जैसे घुटने पे चोट आई या कहीं भी बाजों पे चोट आई, एल्बो पे चोट आई, तो वहां पे जैसे कुछ कट जैसा जख्म हो जाएगा ना, कट हो जाते कहीं से, तो घर के बड़े बुजुर्ग क्या बोलते हैं कि आप लोग यहाँ पे हल्दी लगा लो, वो एक एंटीसेप्टिक का काम करेगी। तो बेसिकली वहीं से समझने की कोशिश करेंगे एंटीसेप्टिक होगा क्या। लिख लेंगे जी, अ लिक्विड दैट प्रिवेंट्स कट फ्रॉम बीइंग इन्फेक्टेड, किसी कट को क्योर करने का काम करेगा। कट लग जाते ना वहां पे, उसको क्योर करेगा, उसको हील करेगा ताकि वहां पे इन्फेक्शन ना हो जाए। इन्फेक्शन से बचाने का काम कर रहा है, ना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जर्म्स को मारने का, क्योंकि वो काम तो कौन करेगा, हमारा जर्मिसाइड। देखिए इसके नाम में ना जर्म से बना जर्मिसाइड, तो याद करना बहुत इजी था, जर्म्स को मारने के लिए जर्मिसाइड का यूज किया जाएगा। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मिलता जुलता क्वेश्चन ही है। अ मेडिसिन दैट प्रिवेंट्स डीकम्पोजिंग, डीकम्पोजिंग मतलब जो डीकम्पोजिंग से बचाए, एंड उसको क्या बोला जाएगा। डीकम्पोजिंग भी वही चीज है जैसे मैंने भी बताया, आयुर्वेदिक तो इसका आंसर नहीं हो सकता, जर्मिनेशन इसका आंसर नहीं हो सकता, जर्मिसाइड तो अभी मैंने बताया जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जर्म्स को किल करने का काम करेगी उसको बोला जाएगा जर्मिसाइड। लेकिन जो किसी भी चीज को, जैसे जो प्रिवेंट करती है डीकम्पोजिंग से, उस चीज से बचाया जाता है ताकि कोई कट या बाउल हमारा खराब ना हो जाए, वहां पे ज्यादा इन्फेक्शन ना हो जाए, जिसको बोल जाते हैं ना कि वे ज्यादा गहरा ना हो जाए, गल ना जाए, सूज ना जाए, तो सॉर्ट ऑफ उस चीज को क्या बोला जाएगा, एंटीसेप्टिक। फटाफट से मार्क कर लेंगे आंसर को एंड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑल इवेंट्स आर प्रीडिटरमिंड, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको बताना है कि वो कौन है, जिसको क्या लगता है दैट ऑल इवेंट्स, कहता है जितनी भी घटनाएं है ना सब पहले से लिख रखी हैं। जैसे होते हैं कहीं ना कहीं, कई हमारी लाइफ में ऐसे पर्सन जरूर आते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे मिस हैपनिंग होगी, मान लो कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी ऐसा एक्स वाई जी मान के चले, चाहे वो अच्छी बात है चाहे वो बुरी बात है, तो उनका हमेशा जेस्चर आएगा कि ये तो पहले ही लिखा हुआ था, ये तो पहले ही निर्धारित था। अगर कुछ ऐसे पर्सन होंगे उनको क्या बोला जाएगा, क्या उन पर्सन को आप इंटेलिजेंट बोलोगे? मैं तो उनको इंटेलिजेंट नहीं बोलूंगी। यस, हमें अपनी डेस्टिनी पे बिलीव करना चाहिए, लेकिन अपने हार्ड वर्क पे, अपने एफर्ट्स पे उससे ज्यादा बिलीव करना चाहिए। अगर हर किसी चीज को हम लोग ऐसे ही एज्यूम कर लेंगे ये तो पहले से ही लिखा हुआ था, फिर तो हम लोग किसी भी चीज की प्रिपरेशन भी बंद कर दे। रीजन, अगर पेपर नहीं क्लियर होना या पेपर क्लियर होना है वो तो पहले से ही लिखा हुआ था, ऐसा जेस्चर, ऐसा थॉट अपने माइंड में नहीं लेके चल सकते हैं। साइड बाय साइड हर एक चीज को एक वेटेज देके चलना, भगवान पे एक बिलीव रखना, अपने आप पे बिलीव रखना, सबका आशीर्वाद लेना एंड सबकी ब्लेसिंग से आगे बढ़ना, इसी तरीके से हम लोग अच्छी डायरेक्शन में जा सकते हैं। इंटेलिजेंट तो मैं ऐसे पर्सन को नहीं बोलूंगी,
हाँ इलिटरेट भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर किसी की ये मानता है कि वो पहले से ही निर्धारित था, इलिटरेट तो उसका वैसे ही लॉजिक नहीं बनेगा। इलिटरेट वो पर्सन के लिए यूज करते हो जो पढ़ा लिखा ना हो, तो वहां पे ऐसा पढ़े लिखे वाला फील तो कोई नहीं आएगा कि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप पढ़े लिखे नहीं है। बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग भी होते हैं जो इसी तरीके की मेंटेलिटी या ऐसी सोच रख सकते हैं। That is also not very false. ये इतनी गलत नहीं है, लेकिन हर किसी पर्सन की अपनी अपनी मानता है। After that एक word है amateur and fatalist. अब amateur का meaning लिख ले, बहुत important word है जो examinations में आपको आना चाहिए। शौकिया तौर पे होने वाला, जब किसी जैसे मैं बोलती हूँ कोई गेम खेल रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहां पे हम पैसे के लिए नहीं, मतलब या पढ़ाना कोई ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन वो हम ना अपने शौक को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, ना कि किसी हेल्पलेसनेस में कि बहुत नीडी हैं या कुछ भी ऐसा है। नीड के लिए नहीं, हेल्प के लिए नहीं, रादर अपने ही शौक को पूरा करने के लिए जो काम किया जाएगा, दैट इज योर एम्बिशन। लिख लें शौकिया तौर पर होने वाला, तो डेफिनेटली मेरे पास एक ही ऑप्शन बचती है, ऐसा पर्सन जो मानता है कि ये सब कुछ पहले ही लिखा हुआ था, फैटलिस्ट। लिख लेंगे जिसको फैटलिस्ट, याद कर लेंगे एक बार सुन लेंगे तब भी दिमाग में बैठ जाता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। मतलब कोई ऐसा इंसान जिसको मानता ही नहीं है किसमें, शादी में, मतलब शादी मेरा करना है, ऐसा कुछ भी करना जिसको मानता ही नहीं है, कहता शादी तो होनी ही नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं इस चीज को ना हम लोग ले जाते हैं दूसरे सेंस में, जहां पे ना वुमेन्स के तरफ और नफरत को दर्शाया जाता है कि भाई उसको ना वुमेन से आई थिंक हेट है, उसको नहीं पसंद है। तो फिर भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी एग्जाम्पल क्या रहेगी और क्या इसका लॉजिक रहेगा। इसमें एक दो ऑप्शंस के स्पेलिंग्स आई गेस गलत हैं, तो उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द मैरिज, फटाफट से लिख लेंगे जी, मिसोगैमिस्ट। लिख लेंगे मिसोगैमिस्ट, दैट इज द राइट आंसर। अब मिसोगाइनिस्ट, यहाँ में ना ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिशाली। ये तो भगवान के बारे में यूज किया जाने वाला वर्ड है ना, omnipotent, omnipresent, so भगवान बहुत शक्तिशाली है, omnipotent, तो आप लोगों ने वर्ड सुन रखा होगा, इसका मीनिंग लिख ले, अगर ऑलरेडी आता था तो बहुत अच्छी बात है। सर्वशक्तिशाली, गॉड के बारे में बोला जाता है ना दैट गॉड इज omnipotent, तो उसके लिए सर्वशक्तिशाली ऐसा इंसान जो शादी में बिलीव ही नहीं करता, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ये ऑप्शन थोड़ी सी गलत है, इसको कट कर दे, सिमोगैमिस्ट नहीं होता इसकी ऑप्शन, सिमोगैमिस्ट इज द राइट ऑप्शन। तो माइंड में आता है मैं मिसोगाइनिस्ट इसका क्या मीनिंग है, लिख लेंगे जी, ये एक ऐसा पर्सन है वन हु हेट्स वुमेन, जिसको औरतों से नफरत है, सिर्फ उस चीज के बारे में बोला जाता है मिसोगाइनिस्ट। लेकिन इसका लॉजिक ये नहीं बोलेगा कि अगर आप लोगों को औरतों से, विमेन से नफरत है तो आप लोग शादी में बिलीव ही नहीं करेंगे। ये दोनों ऑप्शंस में ना ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि मां मिसोगाइनिस्ट एंड मिसोगैमिस्ट दोनों वर्ड्स बहुत हद तक मिलते जुलते हैं, तो उसका लॉजिक क्या रहेगा। लॉजिक हल्का सा है, समझने की कोशिश करनी है। मिसोगाइनिस्ट जिसको, ऐसा पर्सन जिसको विमेन से हेट है, जिसको नफरत है, पूरी की पूरी विमेन, मतलब पूरी की पूरी इस कैटेगरी से नफरत है, लेकिन उसका जो रिलेशन है वो शादी के साथ हम लोग रिलेट नहीं कर रहे हैं, जिसको शादी के बंधन से ही प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे विमेन्स के रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो शादी में नहीं मानता, तो उसको क्या बोला जाएगा, मिसोगैमिस्ट। फटाफट से आंसर को टिक कर लेंगे। So that was all in this video. और भी next और बहुत सारी series आ रही हैं और सारी की सारी series ready हो रही है, जहां से आप लोगों को और इस type के questions करने में बहुत ज्यादा help होगी। I hope आपके exam में ये questions में आप लोगों को अगर ढंग से प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में रादर एक स्ट्रेटजी, एक टेक्निक डेवलप करने में बहुत ईज हो जाती है। यस सेम क्वेश्चंस हो दैट मे और मे नॉट बी पॉसिबल, बट वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट कि ऐसे ही क्वेश्चंस आए एंड कम
से कम आप लोग टेक्निक सीख जाए कि टेक्निक के साथ क्वेश्चंस को करना कैसे है। हर एक क्वेश्चन में एक स्टैंडर्ड पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है कि गलत आंसर तो बाद में ढूंढो, सबसे पहले जो सॉरी सही आंसर बाद में ढूंढो, सबसे पहले गलत वाले को कट शॉर्ट कर दो। रीजन क्वेश्चंस इसी तरीके से अटेम्प्ट किए जाएंगे और बहुत ईजी हो जाता है सही आंसर तक पहुंचना। तो ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चन की हम लोग डिस्कशन करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। यस स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी थी सीरीज जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, ऑलमोस्ट 30-31 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। चलिए फटाफट से अभी सीरीज में दोबारा से जाएंगे और बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं जिनके रिगार्डिंग आप लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए। आई होप वीडियोस आपको यूजफुल लग रही होंगी, जहां पे आप लोगों को स्ट्रेटेजी टेक्निक पैटर्न हर तरीके की समझ आएगी। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऐसी सीरीज में तो इनके साथ ही रखेंगे। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स goods into or from a country secretly because they are illegal. समझने की कोशिश करेंगे, लॉजिक क्या कहता है। कहता है कोई ऐसा पर्सन जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेगा, यानी वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझते हैं, कुछ दूसरी कंट्री से लेके आना, कुछ अपनी कंट्री का वहां पे देके आना, ताकि ये पूरा का पूरा ट्रेडिंग का काम चलता रहे। देखा होगा आप लोगों ने। सो ऐसा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना फ्रॉम अ कंट्री सीक्रेटली, सीक्रेटली मतलब ये तो समझ में आता है भाई, टैक्स ड्यूटी बचाना चाहता है। रीजन अगर इनकम टैक्स वालों की रेड आ जाती है या वहां पे पकड़ा जाएगा, दैट मीन्स मेरे को फीलिंग समझ में आनी शुरू हुई Because they are illegal. वो कहना चाहता था कुछ ऐसा सामान यहाँ पे लेके आना या यहाँ से सामान का जाना जो कि अपने आप में छुप के किया जाएगा, सीक्रेटली किया जाएगा। क्यों? वो सामान यहाँ से वहां भेजना इलीगल है, जैसे कि आर्म्स वाली चीजें हो जाती हैं, यहाँ से ऐसा कोई भी एक्सप्लोसिव सामान भेजना या वहां से लेके आना, दैट इज बट ऑब्वियस इलीगल है। ऐसा कोई भी तरीके का जिसको बोला जाता है नशा यहाँ से वहां लेके आना जाना, ये बहुत ज्यादा इलीगल चीजें हैं। तो ऐसा पर्सन जो ऐसा करेगा उसको क्या बोला जाएगा? साइमोग्रेनिस्ट नहीं बोला जाता, टेररिस्ट। कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आ जाते हैं कि मैम क्या उसका आंसर टेररिस्टिक करते हैं? अरे भाई टेररिस्ट मतलब होता है आतंकवादी, जिन लोगों ने बहुत आतंक मचा रखा होता है, तो टेररिस्ट इसका आंसर नहीं हो सकता। उनका तो टेररिस्ट का तो मतलब लाइक कहीं पे बॉम्ब इम्प्लांट कर दिया, कहीं पे खून खराबा है, कुछ ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग चलेगी, उनको बोला जाएगा टेररिस्ट। एक वर्ड है कैडुलस, अब इस वर्ड को टिक कर ले, वैसे दिस इज नॉट द राइट आंसर बट फिर भी मीनिंग समझ में आना चाहिए। लिख सकते हैं जी टू विलिंग टू बिलीव, फटाफट से लिख लेंगे टू विलिंग टू बिलीव व्हाट यू आर टोल्ड एंड सो इजीली डिसीव। मतलब जो भी आप लोगों को बताया जाता है ना, वो आप लोग बहुत जल्दी मान लेते हो। मैंने कुछ बताया उसको कि भाई वहां से ना ऐसा ऐसा कुछ सामान आने वाला है, एक काम करो तुम मेरे को इतने पैसे दे दो, या कुछ ऐसा मैंने उससे फंड ले लिए। तो किसी ऐसे इंसान को मैंने बहुत ही जल्दी अपनी बातों में बोला कि तुम ये कर सकते हो, किसी की बातों में जल्दी आ जाना। अब जल्दी आ जाओगे तो बहुत जल्दी धोखा भी खाओगे। सो इजीली डिसीव्ड, किसी की बातों में जल्दी आ जाना, जल्दी आने के बाद वहीं से धोखा खाना, ऐसे पर्सन को क्या बोला जाएगा? कैडुलस। तो इस वर्ड को मार्क कर दें, येट दिस इज नॉट द राइट आंसर बट फिर भी मेरे पास मेरा आंसर सही मिल चुका है। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा सीक्रेटली, क्योंकि वो सारा का सारा सामान इलीगल था, उनको बोला जाएगा स्मगलर्स। फटाफट से इस आंसर को टिक कर लेंगे एंड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, ऐसा पर्सन जिसको हर किसी चीज के बारे में पता है। अब समझेंगे इस चीज को, साइमोग्रेनिस्ट ये वर्ड नहीं है, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग ऑप्शन। Omnipresent मतलब ऐसा पर्सन, पर्सन तो नहीं बोलेंगे, रीजन ये सारे के सारे वर्ड भगवान के लिए, गॉड के लिए ही यूज किए जाते हैं। ये तीनों वर्ड्स आई गेस आप लोगों ने सुन रखे होंगे। भगवान सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक मतलब हर जगह मौजूद है, जो सब जगह मौजूद है उनको omnipresent बोला जाता है। Omnipotent, एक वर्ड था omnipotent, जिसके बारे में अभी 2 मिनट पहले मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन की थी कि omnipotent means, अपनी लास्ट सीरीज में डिस्कस किया था लेक्चर में कि omnipotent का मतलब है सर्वशक्तिशाली, भगवान सर्वव्यापक हैं,
सर्वशक्तिशाली है, ये समझ में आता है। एंड ओमनिस्काइंट मतलब सर्वज्ञानी जिसको बोला जाता है, सर्वज्ञानी मतलब सब कुछ जानने वाले हैं। और सही है भाई, गॉड इज ओमनीप्रेजेंट ओमनिस्काइंट एंड ओमनीपोटेंट पावर पार जिसको बोला जाता है। सो इन तीनों के तीनों वर्ड्स को अपने माइंड में लेके चले, तीनों का जो मीनिंग है वो बहुत अलग है लेकिन समझ के चलेंगे। ओमनीप्रेजेंट जो सब जगह व्यापक हो, सर्वव्यापक सब जगह मौजूद होना बोला जाता है ना कि हर कण कण में भगवान है। ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिशाली, ओमनीस्काइंट ऐसे जो हर किसी चीज को जानते हैं, सर्वज्ञानी जिनको बोला जाएगा सर्वज्ञानी, भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। हमारे माइंड में चाहे जितना भी हो ऐसा मांगेंगे भगवान से, वैसा मांगेंगे, अरे भी वो भगवान है, भगवान सब कुछ जानते हैं। सो ओमनीस्काइंट इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे जी इसको जल्दी से। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु स्पीक्स टू लैंग्वेजेस, एक ऐसा पर्सन जो दो भाषाएं बोलता हो। बिना किसी ऑप्शन को देख के बहुत इजी था मेरे लिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। बहुत ही कॉमन वर्ड है बायलिंगुअल, ऐसे जैसे मैं आप लोगों को बायलिंगुअल पढ़ा रही हूँ ना, कुछ कुछ पोर्शन हम लोग इंग्लिश में डिस्कस करते हैं, कुछ पोर्शन हम आप लोगों को हिंदी में ट्रांसलेट करके भी समझा देते हैं। सो दो भाषाओं का यूज करने वाला वो बायलिंगुअल होगा, फॉरनर नहीं होगा। जरूरी थोड़ी है ना कि फॉरनर को एक से ज्यादा भाषा आती ही हो सकते हैं हम लोगों को ज्यादा भाषा आती हो सकता है एक ही भाषा आती हो। ओमनीपोटेंट अभी बताया था, दैट इज सर्वशक्तिशाली, रेफ्यूजी जो यहाँ से वहां मूव ऑन करते रहते हैं, रेफ्यूजी वाला जो काम होगा। सो ये बाकी सारी की सारी ऑप्शन है, रेफ्यूजी का लैंग्वेज से क्या लेना देना, तो डेफिनेटली हमारा आंसर होगा बायलिंगुअल। लिखा जाता है ना कि आप लोगों का ये एग्जामिनेशन होगा, पेपर होगा, दैट विल बी बायलिंगुअल। बायलिंगुअल मतलब पहले वो इंग्लिश में लिखा होगा, आफ्टर दैट वो हिंदी या पंजाबी, डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेट को उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर हिंदी है तो हिंदी वाला होगा, पंजाब वाले है तो डेफिनेटली इंग्लिश एंड पंजाबी का कॉम्बिनेशन रहेगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। One who does not know how to read and write, कोई ऐसा पर्सन जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता। अब इसमें तो इतना सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा पर्सन जिसको लिखना पढ़ना नहीं आएगा वो इलिटरेट के अलावा और कुछ हो भी नहीं सकता, जिसको अनपढ़ बोला जाता है, जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं। और इंटेलिजेंट तो ऐसे पर्सन को बिल्कुल नहीं बोला जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज पॉपर, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। द वर्ड इज नॉट प्यूपर, द वर्ड इज PAUPE। आप लिख लेंगे जिन ऑप्शन को, रीजन चाहे हमें सही आंसर पता है लेकिन बाकी सारे वर्ड्स के मीनिंग पता होने भी बहुत जरूरी है। पॉपर का मीनिंग लिख लें, अ वेरी पुअर पर्सन, लिख लें जी अ वेरी पुअर पर्सन, बहुत ही गरीब इंसान के बारे में ये वर्ड यूज किया जा सकता है। वन वर्ड फॉर मेनी, दैट इज पॉपर, PAUPER, प्यूपर नहीं है, द वर्ड इज पॉपर, ये ऑप्शन गलत लिख रखी थी, लिख लेंगे जी इसको। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज इंटी स्टेट, अब समझेंगे इंटी स्टेट क्या था, एक बार लिख लेंगे। Having made no will, having made no valid will, that having made, write down, having made no valid will, valid will, will क्या होती है, जो मरने से पहले वसीयत बनाई जाती है ना उसको will बोला जाता है। कहता कोई ऐसा person जो मरने से पहले कोई वैलिड विल, मतलब वैलिड जो लागू हो, किसी लॉयर को बुलाया जाता ना, ऐसे थोड़ी ना कि वर्बली बोल दिया कि जो मेरा ये जो पूरा का पूरा मेरी संपत्ति है, जो पूरा का पूरा मेरा ये जो मेरी कलेक्शन है, चाहे वो पैसे की फॉर्म में हो, चाहे वो मेरे एसेट्स हैं, जितना भी सब कुछ है वो मेरे बेटों के बीच में बराबर बराबर बांट दो। अभी तो हम लोगों ने वर्बली बोल दिया, लेकिन एक वैलिड विल का मीनिंग क्या होता है कि प्रॉपर आप लोग लॉयर को हायर करते हैं मरने से पहले, जब हम लोगों को लगता है कि भाई शायद मेरा अंत समय नजदीक आने वाला है, और जरूरी नहीं है कि अंत समय नजदीक आने वाला है, कई लोग तो अपनी अच्छी हेल्थ के साथ ही इस चीजों की डिस्ट्रीब्यूशन पहले ही कर देंगे कि रीजन बाद में किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा ना हो, बच्चों के बीच में डिस्प्यूट ना हो। तो एक वैलिड विल बनाने वाला जो जेस्चर था, ऐसा पर्सन जो एक वैलिड विल नहीं बना पाया, एंड डाइड, और
उसके बाद उनकी डेथ ही हो जाती है, उनको बोला जाएगा इंटरस्टेट। लिख लेंगे जिन वर्ड्स को, रीजन ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है और कहीं पे भी किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। आंसर तो मेरे को समझ में आ गया था कि इलिटरेट ही आएगा, लेकिन सारे के सारे ऑप्शंस को गो थ्रू करना हमारे लिए बहुत जरूरी था। चलिए आएंगे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। वन हु डाउट्स ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ऐसा पर्सन जिसको डाउट रहता है भगवान की एग्जिस्टेंस पे। क्या मैं उसको ईगोइस्टिक बोलूंगी? ईगोइस्टिक मतलब बहुत ही ईगो रखने वाला इंसान, लेकिन ईगो रखने वाले इंसान को भगवान पे डाउट हो, शक हो कि भगवान है भी या नहीं, उनको ईगोइस्टिक तो नहीं बोला जाएगा। हम लोग अपनी क्लास में या अपने एनवायरनमेंट में भी आसपास भी बहुत को बोलते हैं कि भाई वो ना बहुत ही घमंडी टाइप का इंसान है, उसमें बहुत ईगो है, शायद अपनी ब्यूटी की, शायद अपने पैसे की या अपनी पढ़ाई की, ईगो बहुत ज्यादा है उसकी। तो उसको भगवान पे विश्वास ना होना, दैट डजंट मेक एनी सेंस। ऐसे पर्सन को इंटेलिजेंट नहीं बोला जाएगा, इंटरेस्टेड नहीं बोलेंगे। अभी तो आप लोगों को बताया कि वैलिड विल नहीं बनाई और उसके पहले ही वो भगवान को प्यारे हो गए। सो दैट मींस हमारे पास एक ही ऑप्शन बची थी, दैट इज एगोस्टिक। फटाफट से मार्क कर लेंगे, वन हु डाउट्स ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, दैट इज एगोस्टिक। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जितने भी वर्ड्स हैं वो आजकल ये रेपिटेशन में रहते हैं, दैट इज द रीजन व्हाई। फटाफट से इनको अपने दिमाग में बिठा लें और हर किसी का मीनिंग ढंग से जांचते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट इज चूज द एंटोनिम ऑफ फार। अब ये बहुत इजी वाला क्वेश्चन है और इजी वाला रीजन। कई बार एंटोनिम सिनोनिम बहुत ही इजी लेवल के भी आ जाते हैं। बताया था मैंने वीडियोस में, डिस्कस किया था कि इजी लेवल से लेके फिर हम जाएंगे मॉडरेट लेवल तक और फिर हम जाएंगे बहुत ही हाई लेवल तक, ताकि ढंग से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाए। एंटोनिम बताना है उल्टा, एंटोनिम होगा अपोजिट और डिफरेंट मीनिंग किसका, फार का। फार मतलब दूर, तो उसका अपोजिट क्या होगा, दैट इज नियर। नियर मतलब पास। बहुत इजी है, क्वेश्चंस को फटाफट से मार्क करते जाएं। चूज द सिनोनिम ऑफ केल, फटाफट से लिख लेंगे जी। एक वर्ड है हमारे पास केल, केल का मीनिंग ढूंढने की कोशिश करेंगे कि केल बेसिकली होता क्या है, दैट इज जस्ट अ सेक। ओके ओके ओके, एक सेकेंड। चूज द एंटोनिम ऑफ, आई थिंक इसकी ऑप्शंस में कुछ प्रॉब्लम है। चूज द सिनोनिम ऑफ केल, ये केल एक वर्ड सही नहीं है, आई लुक इन टू दैट रीजन, इसके ऑप्शन में है कुछ प्रॉब्लम। चलिए चूज द एंटोनिम ऑफ कंटेमिनेट। कंटेमिनेट क्या होगा, किसी चीज को कंटेमिनेट कर देना है ना, प्रदूषित कर देना, बहुत कॉमन वर्ड है, कंटेमिनेट कर देना, प्रदूषित कर देना। अब इन वर्ड्स के मीनिंग ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक वर्ड है इन्फेक्ट, है ना, इन्फेक्ट अपने आप में क्या वर्ड होगा, इन्फेक्टेड कर देना, किसी चीज को खराब कर देना। आफ्टर दैट एक सेकेंड, हाँ जी, इन्फेक्ट कर देना, किसी चीज को खराब कर देना, डिफाइल कर देना, डिफाइल भी अपने आप में डैमेज द प्योरिटी, लिख लेंगे जी, जो किसी चीज की प्योरिटी को डैमेज कर दे, डैमेज द प्योरिटी लिख लेंगे। तो ये यहाँ पे हम लोगों को लगा कि कंटेमिनेट भी प्रदूषित है और ये भी प्रदूषित है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। आफ्टर दैट कंटेमिनेट कर देना, पॉल्यूट कर देना, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं, लेकिन किसी चीज को प्रदूषित कर देना और किसी चीज को बिल्कुल साफ सुथरा शुद्ध रखना, सो प्योरिफाई इज द राइट आंसर। जल्दी से इसको टिक कर लेंगे, प्योरिफाई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे जी, चूज द सिनोनिम ऑफ कन्फाइन। कन्फाइन का मीनिंग होता है सीमित, एक इसका मीनिंग लिख देंगे ताकि हम लोगों को समझ में आ जाए, किसी चीज को सीमित रखना। हम बोलते हैं कि भाई बस मैंने अपने आप को इन सीमाओं में ही, या मतलब इतनी ही में ही सीमित करके रख रखा है, कुछ बाउंडेशंस हैं, मतलब कुछ बाउंड्रीज मैंने डेवलप कर रखी है कि मैं सीमित ही ये रिलेशन या ये कोई भी चीज है वो मैं सीमित लेवल तक ही रखूंगी। तो फ्री कर देना, लिब्रेट कर देना, नहीं जी, सीमित मतलब किसी चीज को लिमिट में रखना, लिमिट में रखना होगा। रिलीज भी इसका आंसर नहीं बनता, लॉजिक ही नहीं बनता, सीमित रखना, लिमिट में रखना। बोलते ना कि भाई मैं उसके साथ दोस्ती तो रखूंगा, लेकिन ना बहुत ही लिमिटेड दोस्ती रखूंगा,
ज्यादा रिलेशन नहीं बढ़ा सकता, फिर बाद में तंग होना शुरू हो जाता है, वो मेरे यहाँ आएगा, मैं उसके वहां जाऊंगा, बहुत काम बढ़ जाता है, तो मैं अपने रिलेशनशिप को सीमित ही रखना चाहता हूँ, मतलब लिमिट रखना, लिमिट में रखना चाहता हूँ, कन्फाइंड रहना चाहता हूँ। लिख लेंगे जी फटाफट से ऑप्शन को। आफ्टर दैट चूज द एंटोनिम ऑफ कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट एक बहुत कॉमन वर्ड है जिसका मतलब है टकराव। टकराव मतलब दो या दो से ज्यादा चीजों का टकराव ना। अब टकरा रहे हो तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। अब टकराव का अपोजिट है ना, टकराव करना, अपोज करना, ये तो सही है। जब हम एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो डेफिनेटली हम उसका अपोज ही कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली कन्फ्लिक्ट करना, कन्फ्लिक्ट एक तरीके से बहस हो जाती है, आर्गुमेंट हो जाती है। सो यहाँ पे क्लैश होना भी नहीं हो सकता, डिफर भी तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये सारे के सारे वर्ड इसी के सिनोनिम है, जबकि इसका एंटोनिम है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मीनिंग क्या है? समझौता। लिख लेंगे जी इसका मीनिंग है समझौता। जब दो या दो से ज्यादा में कोई समझौता हो जाएगा कि फिर टकराना नहीं है, समझौते के साथ ही चलना है, तो इसका आंसर मार्क कर लेंगे। चलिए जी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। I was born dash 1986. बहुत इजी क्वेश्चन है, अब तो ये सारे के सारे ये प्रेपोजिशन वाला मेन पार्ट है। रीजन प्रेपोजिशन के दो या तीन क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम ज्यादा ज्यादा स्पॉट लेके कोई किस क्वेश्चन में से, कोई किस क्वेश्चन में से ढंग से डिस्कस किया जा सके। I was born dash 1986. I was born in 1986. इन आप लोग कब बताते हो? जब किसी पर्टिकुलर ईयर को क्लैरिफाई, बिल्कुल एग्जैक्टली उस चीज को मेंशन कर दोगे, तब आप लोग वहां पे इनका ही यूजेज करेंगे। नेक्स्ट लिख लेंगे जी, आई हैव बीन अ जर्नलिस्ट डैश टू इयर्स। लास्ट वीडियो में भी मैंने बहुत ढंग से बताया था, आई हैव बीन अ जर्नलिस्ट मतलब मैं एक जर्नलिस्ट था डैश टू इयर्स। अब यहाँ पे हैव बीन आ गया, फिर से समझ में आ जाता है, आई हैव बीन अ जर्नलिस्ट, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाला फील आया, और वहां पे बताया था आप लोग यूज करते हैं फॉर या सिंस का, यहाँ पे इन टू इयर्स नहीं हो सकता, गो टू इयर्स नहीं हो सकता, फॉर या सिंस का ही यूज करना था। ये मेरे को तब समझ में आएगा अगर मेरे को हर एक टेंस का स्ट्रक्चर बहुत ढंग से आता होगा, जहां जहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाया जाएगा आप लोग वहां पे फॉर या सिंस का ही यूज करेंगे। सो दैट इज द रीजन व्हाई टू इयर्स था, सिंस तो नहीं बोल सकते है ना, कि सिंस स्टार्टिंग पॉइंट को नहीं बता रहा, हाँ लेकिन वो इस चीज को बता रहा है, कहता मैं जर्नलिस्ट हूँ दो सालों से, तो टू इयर्स की स्टार्टिंग तो नहीं पता लेकिन पूरा का पूरा ड्यूरेशन पता था। सो द आंसर इज फॉर टू इयर्स। मेंशन कर लेंगे, लिख लेंगे, टिक कर लेंगे। आई वेटेड फॉर यू डैश आवर्स, कहता मैं तुम्हारी वेट कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ घंटों से, है ना, घंटों से इंतजार कर रहा है। इन तो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, फॉर नहीं लगा सकते, मेरे को टोटल ड्यूरेशन थोड़ी ना पता है कितने घंटों से वेट कर रहा है। सिंस आवर्स मतलब ना कई घंटों से वेट कर रहा हूँ, सिंस आवर्स आई हैव बीन वेटिंग, आई वेटेड फॉर यू सॉरी एक सेकेंड, आई वेटेड फॉर यू फॉर आवर्स, यहाँ पे सिंस नहीं आएगा, रीजन यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट को नहीं मेंशन कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे आप लोग आंसर को मार्क कर लेंगे, आंसर आएगा आप लोगों का फॉर आवर्स, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ घंटों से, स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ी ना बात है, तो यहाँ पे सिंस नहीं आएगा। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शी लेफ्ट यूनिवर्सिटी थ्री इयर्स डैश, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, लेफ्ट मतलब छोड़ देना, डायरेक्ट पता चला है यहाँ पे और कुछ नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को मेंशन किया गया। सो शी लेफ्ट यूनिवर्सिटी थ्री इयर्स एगो, जल्दी से मार्क कर लेंगे, उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी तीन साल पहले। आगे चलेंगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इजी पोर्शन है ये, प्रेपोजिशन इतनी लेवल की आनी बहुत जरूरी है। She has lived abroad. वो abroad में रहती है dash 1998, ago 1998, in 1998 पॉसिबल नहीं है। She has lived abroad, वो abroad में रहती है कब से, स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया ना, तो
सिंस यूज करेंगे, सिंस 1998, कहता है वो 1998 से रहती है कहां पे, अब्रॉड में। हम लोगों ने रेमंड की टैगलाइन भी देखी होगी ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लोथिंग ब्रांड है रेमंड, तो सिंस उसके साथ कुछ पर्टिकुलर ईयर मेंशन कर देते हैं, आई डोंट नो द ईयर, लेकिन या वहां पे उसकी जो टैगलाइन है सिंस दिस पर्टिकुलर ईयर, तो बता देते हैं कि तब से अब तक वो चलता ही आ रहा है ब्रांड। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 46th क्वेश्चन है, दे गॉट एक्वेंटेड विद ईच अदर डैश लास्ट ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चंस में एरर बन जाते हैं। ये एस्टेरिक का सिंबल है, इसको एस्टेरिक मान ले या फिर नो एरर मान ले, एक ही बात है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सो दे गॉट एक्वेंटेड डैश विद ईच अदर डैश लास्ट ईयर। एक्वेंटेड होते हैं मतलब एक तरीके से हमारा एक दूसरे के साथ थोड़ा सा मिलवर्तन हो जाना है ना, हम एक दूसरे को जानने लगे हैं, यूज टू हो चुके हैं एक दूसरे के साथ, हमारा थोड़ा बहुत मतलब रिलेशन डेवलप हो रहा है, हम एक दूसरे को जानने लगे हैं, ऐसा वाला फील आ जाएगा। दे गॉट एक्वेंटेड विद ईच अदर डैश लास्ट ईयर, एक चीज है यहाँ पे हम लोगों के दिमाग में आएगा, फॉर लास्ट ईयर। नहीं, ये तो नहीं आ सकता मैम, फॉर तो नहीं आ सकता। सिंस लास्ट ईयर मैम हो सकता है, इन लास्ट ईयर मैम हो सकता है। एक छोटा सा रूल था जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आप लोगों के पास जब भी लास्ट, आई होप ये आप लोगों को याद होगा, अगर याद नहीं है तब भी लिख ले, अगर लास्ट या नेक्स्ट कोई भी वर्ड लिखा हो और उसके साथ आप लोगों को दिया हो ईयर, वाई ई ए आप लिखना है, कोई पर्टिकुलर ईयर मेंशन नहीं करनी हो, ईयर हो, मंथ हो या फिर कोई वीक हो, इस उसको लिख लेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन। अगर ऐसा वाला स्ट्रक्चर कहीं भी मिल जाएगा, ज्यादातर क्या होता है हम लोगों को यहाँ पे इनका यूजेज करना बहुत अच्छा लगेगा। देखिए बोल के भी चेक करते हैं, दे गॉट एक्वेंटेड विद ईच अदर इन लास्ट ईयर, लेकिन मैंने ऑलरेडी बताया था जहां जहां ऐसा वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, दैट इज अ प्योर केस ऑफ नो प्रपोजिशन, कोई प्रपोजिशन नहीं यूज की जाएगी। ये ऐसे क्वेश्चन है जहां पे ज्यादातर स्टूडेंट्स की गलतियां हो जाती हैं कि मैम इन लास्ट ईयर क्यों नहीं आएगा, ये स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी बता रखा था। अगर आप लोगों का लास्ट या फिर नेक्स्ट, सारे के सारे नहीं, खाली ये दो तीन एक्सेप्शंस हैं जिनको माइंड में रखना बहुत जरूरी है, लास्ट के पहले या फिर नेक्स्ट के पहले आप लोग किसी भी तरीके की प्रपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैंने बोला शी गॉट एक्वेंटेड विद ईच अदर लास्ट ईयर, यहाँ पे लास्ट ईयर ही यूज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब जब ये स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे लास्ट में ईयर मेंशन कर दिया, मंथ मेंशन कर दिया, वीक मेंशन कर दिया, उसके आगे इन तो छोड़े किसी भी प्रपोजिशन का कोई रेफरेंस नहीं लिया जाएगा, सो दैट इज अ प्योर केस ऑफ नो एरर। चलिए लिख लेंगे इस चीज को। आफ्टर दैट, हैव यू डैश बीन इन चाइना, बहुत इजी है, इन क्वेश्चंस को बाय ऑप्शंस भी करके देख लेंगे तब भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। हैव यू डैश बीन इन चाइना, हैव यू नेवर बीन इन चाइना, हैव यू सिंस बीन इन चाइना, हैव यू येट बीन इन चाइना, अपने आप से इसका खाली मीनिंग भी पकड़ने की कोशिश करेंगे। हैव यू ever been in China, ever मतलब life में कभी, तो क्या तुम life में कभी भी China आए हो, have you never been to China, क्या तुम China कभी नहीं आए हो, यहाँ पे इस तरीके वाले gesture में never का use कभी नहीं किया जाता, हमेशा use किया जाएगा कि क्या आप यहाँ कहीं आए थे, have you ever been to China, ठीक कर लेंगे जिसको। Don't worry about phoning him, उसको phoning him लिख दे, कॉलिंग हिम लिख दे, रिंगिंग हिम लिख दे, एक ही बात है, कहता बोधन मत करो उसको कॉल करने की, क्योंकि बिकॉज आई हैव डैश डन इट, कहता उसको बोधन मत करो फोन करने की, क्योंकि मैंने पहले ही फोन कर दिया है। अपने आप से ही ना एक जेस्चर होता है कि एग्जामिनर का सेंटेंस क्या होगा, इमेजिनेशन से भी हम लोग इसको बहुत इजीली कर लेते हैं, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन इट, एवर तो होगा लाइफ में एक बार, आई हैव येट डन इट, आई हैव नेवर डन इट, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनेगा, यस आई हैव ऑलरेडी डन इट, वो क्या कहना चाहता था, कहता वरी मत करो उसको फोन करने की, क्योंकि मैंने उसको कॉल पहले ही कर दिया है। चलो, I have not finished my lunch, मैंने अपना खाना खत्म नहीं किया है,
अब तक खाना नहीं खत्म किया है। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई लंच येट। निकलेंगे, मैंने अपना खाना कभी खत्म नहीं किया, लाइफ में एक बार भी नहीं खत्म किया। ऑलरेडी यहाँ पे तो ऐसा कोई जेस्चर ही नहीं आएगा, येट मतलब अब तक, कहता मैंने अपना खाना अब तक खत्म नहीं किया। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई लंच येट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई हैव नॉट डैश बीन स्कीइंग बट आई डिड लाइक टू ड्राइव। आई हैव नॉट और नेवर के साथ में आ सकता है, दो नेगेटिव वर्ड्स को साथ में कब से यूज करेंगे। आई हैव नॉट जस्ट बीन स्कीइंग, नो इट डजंट मेक एनी सेंस। आई हैव नॉट ऑलरेडी बीन स्कीइंग, फिर से कोई सेंस नहीं बनेगी। आई हैव नॉट एवर बीन स्कीइंग, कहता मैंने ना आज तक कभी भी स्कीइंग, जो कि अपने आप में गेम है, एक्सपोर्ट है, कहता मैंने अब तक तो स्कीइंग नहीं की है, बट आई डेट लाइक टू ट्राई इट, पर मैं अब इसको ट्राई करना चाहूंगा। नाउ इट मेक्स अ सेंस। एक क्वेश्चन को अगर आप उसके फील के साथ भी समझने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या है, तभी बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। मैंने अब तक तो स्कीइंग नहीं की है, लेकिन अब मैं स्कीइंग जरूर करना चाहूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई कांट कम आउट, मैं बाहर नहीं आ सकता, बिकॉज आ सकता आ सकती, बिकॉज आई हैव वॉश्ड, I have dash washed my hair. कहता मैंने कभी भी बाल, मैं बाहर नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि मैंने कभी भी बाल नहीं धोए। ऐसा जेस्चर करोगे। I have yet washed my hair. I have ever, ever मतलब लाइफ में कभी कभी एक ही बार, ever कभी। तो I have just washed my hair. Now it makes a sense. कहता मैं बाहर नहीं आ सकता क्योंकि मैंने अभी अभी अपना सर धोया है, अपने बाल धोए हैं। So I have just washed my hair. कर लेंगे इसको टिक। After that, have you met our new teacher? Yes. Have you met our new teacher? क्या तुम हमारे नए टीचर से मिले? Just no, ever no, already no. Have you met a new teacher yet? क्योंकि yet जहां पे भी आएगा हम लोगों को verb की second form met तो समझ में आ जाएगा कि yet ही हमारा answer होना चाहिए। Have you met a new teacher yet? क्या तुम अब तक हमारे teacher से मिले? ये वाला पीना जाएगा। चलेंगे जी next question की तरफ। I am delighted, मैं बहुत खुश हूँ, because I have been dash a pay rise. I have been, अब यहाँ पे have been already लगा दिया, I have been dash a pay rise. इतना तो समझ में आया, अगर tenses का तालमेल के बारे में information थी तो यहाँ पे verb की third form ही आनी चाहिए। Have given, was given, I have been, was given, I have been, have given. ये ऑप्शंस तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन जो दो ऑप्शंस है वहां पे कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन आई हैव बीन है ना भाई, अगर हैव बीन है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगा के चलेंगे। गिव, गेव, गिवन, तो यहाँ पे आएगा आपका आंसर गिवन। गेव इसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी। आई एम डिलाइटेड, मैं बहुत खुश हूँ। आई हैव बीन गिवन अ पे राइज, क्योंकि मेरे को पे राइज मिला है, और ठीक है भाई, खुशी वाली बात भी हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द डायरेक्टर्स चिल्ड्रन, कहता जो डायरेक्टर के बच्चे थे, क्या हुआ उन बच्चों को? हैव बीन किडनैप्ड, है ना, तो समझ में आएगा डायरेक्टर के बच्चों को क्या किया गया, उनको किडनैप किया गया। हैव किडनैप्ड, किडनैप द डायरेक्टर्स चिल्ड्रन, किडनैप ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन बच्चों को क्या किया गया? द डायरेक्टर्स चिल्ड्रन, लेकिन यहाँ पे चिल्ड्रन है, तब मेरे को समझ में आई एक बात कि अगर डायरेक्टर्स चिल्ड्रन है तो वॉज किडनैप्ड ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि चिल्ड्रन अपने आप में हमेशा बात करेगा प्लूरल की। तो यहाँ पे द डायरेक्टर्स चिल्ड्रन हैव बीन किडनैप्ड, हैव किडनैप्ड, तो यहाँ पे छोटा सा लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे, तब हम लोगों को स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा कि अगर हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा द डायरेक्टर्स चिल्ड्रन हैव बीन किडनैप्ड।
क्योंकि जो डायरेक्टर के चिल्ड्रन हैं, उनके जो डायरेक्टर के बच्चे हैं, वो काम करने वाले नहीं है। बेसिकली यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना आप लोगों का, वो काम करने रहा, एक्शन को रिसीव करने वाला है। ये पैसिव की तरह काम करेगा, एक्टिव की तरह नहीं। और जब भी हमारा सब्जेक्ट पैसिव की तरह काम करेगा, वी आर गोइंग टू राइट द डायरेक्टर्स चिल्ड्रन हैव बीन, या हैज बीन वाली फॉर्म आएगी, द डायरेक्टर्स चिल्ड्रन हैव बीन किडनैप्ड। जल्दी से आंसर को मार्क कर लेंगे, चलेंगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दे आर रियली एंग्री, वो बहुत गुस्से में है, बिकॉज समवन डैश देयर कार, क्योंकि किसी ने क्या कर दिया, कहता वो बहुत गुस्से में है क्योंकि किसी ने क्या कर दिया, डैमेज देयर कार, समवन वॉज डैमेज देयर कार, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस वाला प्रेजेंट वाला जेस्चर ये नहीं आएगा। तो यहाँ पे दे आर रियली एंग्री, कहता वो बहुत गुस्से में है, बिकॉज समवन, क्योंकि किसी ने क्या कर दिया उनकी कार को। अब वो जो गुस्से में है ना, वो तो काम करने वाले हैं, यहाँ पे डेफिनेटली वो एक्शन को काम करने वाले हैं, तो दे आर रियली एंग्री, वो बहुत गुस्से में है, बिकॉज समवन हैज डैमेज देयर कार। यहाँ पे ये पैसिव का काम नहीं कर रहे हैं, जो पिछले वाला आप लोगों का सेंटेंस था वहां पे जो हमारा सब्जेक्ट था वो पैसिव था, काम करने वाला नहीं था, एक्शन को रिसीव करने वाला था। यहाँ पे तो काम करने वाले दे ही है, वही तो गुस्सा है, वही तो गुस्सा कर रहे हैं। जब आप एक्टिव हो, आप हमारा सब्जेक्ट एक्टिव रहेगा, वहां पे हमेशा हैज बीन वाली फॉर्म नहीं आएगी, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला जेस्चर आएगा। तो दे आर रियली एंग्री बिकॉज समवन हैज डैमेज्ड देयर कार। जल्दी से इसको मार्क कर लेंगे, चलेंगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शी इज गोइंग टू बी लेट, वो लेट होने वाली है, बिकॉज हर प्लेन हैज डिलेड। सेम ही क्वेश्चन है ना, अब वो लेट होने वाली है, अब वही लेट होगी, काम करने वाली तो वही है, एक्शन को रिसीव नहीं कर रही है, बिकॉज द प्लेन हैज डिलेड, क्योंकि वो प्लेन जो था वो डिलेड हो चुका है। चलिए नेक्स्ट करेंगे, ही डैश टू अ सीनियर डिजाइनर, ही हैज बीन, ही हैज प्रमोटेड, लिखेंगे जी ही हैज प्रमोटेड, क्योंकि प्रमोट होने वाला तो वही था। जब हमारा सब्जेक्ट एक्टिव होगा तब बताया था हैज बीन वाली नहीं, आप लोग हमेशा फॉर्म लेंगे हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा हैज प्रमोटेड। सो आज इतना ही करेंगे सीरीज में, आई होप ये सीरीज आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जामिनेशन के लिए। ये सीरीज का सेकेंड या थर्ड पार्ट था, तो इसी के साथ हम और भी आगे कंटिन्यू करेंगे। बताया था पहले भी इजी क्वेश्चन से लेकर फिर मॉडरेट वाला पार्ट, आफ्टर दैट मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल तक ले जाएंगे, ताकि ऑलमोस्ट हर एक कैटेगरी के, चाहे वो नाउन्स हो, वर्ब्स हो, टेंसेस हो, नरेशन हो, वॉइस हो, एक एक कैटेगरी के मल्टीपल क्वेश्चंस को अलग अलग लेवल्स पे सॉल्व किया जाएगा। रीजन आपको एग्जामिनेशन में पूरी की पूरी हेल्प हो जाएगी। सो इसी सीरीज के साथ नेक्स्ट लेक्चर में फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।